मछली पकड़ी पंचम के दिन रारा रवि ज्योति जगाने कोटि कोटि वंदन।
सभी कृष्ण भक्त प्रेमियों को प्रेम भरा राधे राधे। सभी प्रेम से बोलिए, सब मिलकर बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, एक बार और बोलिए, बोलिए राधे राधे। तो मेरे भाई बहन आप सभी भर भर मेरे गोविंद के रंग में प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत कथा जो भक्तिमयी ज्ञानमयी वैराग्यमयी और आनंदमयी, जो भक्तों के मन में आनंद की अनुभूति कराती है और आप सभी भक्त आनंद भाव से ही मेरे गोविंद की इस वाणी स्वरूप इस ज्ञान गंगा में हम मूर्ति लगा रहे हैं। कथा कैसी है? कथा ऐसी है कि जो भाव से गोविंद की समृद्ध में कथा का रस स्वादन करता है, मेरे गोविंद की कृपा से उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। कल की कथा में आप सभी ने श्रवण किया कि सुखदेव भाई और राजा परीक्षित को सुंदर सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं और राजा परीक्षित का मन आनंदित है। आगे भगवान की बाल लीला इतनी अद्भुत इतनी विचित्र, मेरे भाई बहन इतनी आनंद भरे कि जितनी सुनाओ और जितनी सुनो मन तृप्त होने का नाम नहीं लेते। आनंद में वातावरण बनता है, आनंद में हमारा मन बन जाता है और आनंद से हमारा कल भगवान की बाल लीलाओं का हम दर्शन श्रवण किए, मथुरा लीला गोकुल लीला और वृंदावन लीला कि भगवान ब्रजमंडल में जब तक रहते हैं मेरे भाई बहन वो लीलाएं क्या करते हैं जिससे भक्तों के मन को आनंद मिलता है। अब सुखदेव आई और राजा परीक्षित को बता रहे कि राजन अब ब्रजवासियों के तो जीवन का ऐसा भाव आ चुका है कि कृष्ण के सेवा होने मुझे और प्रिय नहीं लगता। कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो जीवन धन और कृष्ण ही आज सब कुछ, कृष्ण के सेवा कोई कारण नहीं, किसी को मानना नहीं, किसी को जानना नहीं, कृष्ण जो कहते हैं वही सब ब्रजवासी किया करते हैं। लेकिन आज कन्हैया ने देखा कि ब्रजवासी तो इंद्र की पूजा में लगे, मैया यशोदा सुंदर पकवान बनाने लगे है, नंद बाबा भी सुंदर इंद्र की पूजा करने में लगे हैं, लेकिन भगवान मन में विचार है कि जब ब्रजवासियों को मैं मिल गया तो इंद्र की पूजा करने की आवश्यकता क्या है और इंद्र की पूजा अगर की भी जाती है उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इंद्र अभिमानी हो गया है। और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, भक्त के मन में भगवान का अगर कोई भक्त अभिमानी बन जाए तो मेरे प्रभु मेरे गोविंद उस भक्त के अभिमान को दूर करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य किया गया। अब ब्रजवासी तो जब इंद्र की पूजा करने में लगे कन्हैया आनंद बाबा से कहने लगे कि बाबा तुम इंद्र की पूजा करते हो क्या, कभी इंद्र ने प्रकट होकर के भोजन भोग ग्रहण किया क्या, इंद्र ने कभी प्रकट होकर के आपको दर्शन दिया? आखिर इंद्र की पूजा क्यों किया करते हो? तो नंद बाबा ने कन्हैया को समझाया, लाला इंद्र जो है ना वो हमारे भगवान है और इंद्र की पूजा जब हम करते हैं तो इंद्र भगवान हमारी पूजा से प्रसन्न होते हैं और वो जल के देवता हैं, जल की वर्षा कराते हैं और जब जल की वर्षा होती है तो भैया हमारे खेत खलियान हरे भरे भरे हुए और उन्हीं खेत खलियानों से हमारा जीवन चलता है। इसलिए अगर हम इंद्र की पूजा नहीं करें इंद्र भगवान हमारे अगर अनुष्ट हो जाएंगे तो भैया जल की वृष्टि नहीं होगी और जल की वृष्टि नहीं हुई तो फिर हमारा जन जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा।
कन्हैया ने नंद बाबा को समझायो, बाबा इंद्र की कृपा से जल की वृष्टि नहीं होती, जल की वृष्टि तो श्री गिरिराज महाराज पर जो बड़े बड़े हरे हरे वृक्ष लगे हैं ना, उन वृक्षों के ही कारण जल की वर्षा होती है। और हमारे गाँव में गिरिराज जी की तलेटी में जाती है, गिरिराज जी की शरण में जाती है, वहां पर गिरिराज जी परिचारण करते हैं। बाबा आप इंद्र की पूजा को बंद करो और गिरिराज जी का पूजा करो। नंदो बाबा के लगे के लाला, अरे हमारे यहाँ तो वर्षों से इंद्र की पूजा होती चली आ रही है और तुम कह रहे हो इंद्र की पूजा बंद कर दे और गिरिराज की पूजा करें। भैया हम तो आज तक तेरे गिरिराज जी को देखो नहीं, आज तक तेरे गिरिराज जी को पूजा नहीं कियो, तो तू कहे गिरिराज जी को पूजन करो कैसे कैसे भैया। तो मेरे भाई कन्हैया ने आज ब्रजवासियों से जब कहा, नंद बाबा से कहा, तो मेरे भाई ब्रजवासी और नंद बाबा जो कन्हैया कहते उसकी बात को जरूर मानते हैं। आज कन्हैया ने जब ये कहा कि तुम गिरिराज जी की पूजा करो, इंद्र की पूजा बंद करो, नंद बाबा के लगे कि लाला देख पूजा तो तेरे गिरिराज जी की तरफ से कर लेंगे, लेकिन हमारी तीन शर्तें हैं। अब तीन शर्तें कौन सी हैं? बताया पहली शर्त तो ये भैया कि आज तक तेरे गिरिराज जी की हमने पूजा की नहीं, अब तेरी गिरिराज जी की पूजा कैसे करी जावे, कहा भोग खिलाया जावे, कहा लगे भैया हमें नहीं मालूम, तो जैसो भी रूप हो तो हम भोग बने तेरी गिरिराज जी को स्वीकार वो कर लो। और लाला देख हमारा पूरा जीवन व्यतीत है गया, लेकिन अभी तक हमने इंद्र की पूजा की, इंद्र के दर्शन नहीं हुए, और तेरे गिरिराज प्रकट होकर के अगर हमारा भोग स्वीकार करेंगे तो भैया हम जरूर तेरे गिरिराज जी को पूजन करेंगे। प्रकट होकर के भोग स्वीकार करना पड़ेगा। और तीसरी बात भैया ये कि अब वर्षों से तो हमारे यहाँ पर इंद्र की पूजा होती चली जा रही है, और अगर इंद्र की पूजा को बंद कर दिया और गिरिराज जी का पूजन किया तो भैया क्या ऐसा ना हो कि इंद्र महाराज इंद्र भगवान करोगे तो हो जाए, और अगर इंद्र भगवान करोगे तो हो गए भैया तो हम ब्रजवासियों की रक्षा तेरे गिरिराज जी को कर लेंगे। तेरे गिरिराज जी अगर हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करें तो हम जरूर तेरे गिरिराज जी को पूजन करेंगे। तीनों बातों को बालकृष्ण प्रभु ने स्वीकार कर लियो और मेरे भाई 56 भोग बनवाए, समस्त ब्रजवासियों को अपने साथ में लिया, सांडल मुनि को ले लिया और सब ब्रजवासी 56 भोग लेकर के श्री गिरिराज भगवान के शरण में आने लगे। 56 भोग सजाए, 56 भोग सजाने के पश्चात सभी ब्रजवासी जो आज सांडल मुनि कह लगे कि देखो पहले भगवान गिरिराज जी का अभिषेक करने के लिए जल लेकर के आओ, अब जल भरने के लिए अब गिरिराज जी कितने बड़े हैं, कितने बड़े गिरिराज जी मालूम है ना, कितने बड़े 1 किलोमीटर, कितने 7 कोस लंबे, 7 कोस चौड़े, छोटे मोटे तो है नहीं, तो 7 कोस लंबे 7 कोस चौड़े गिरिराज जी को अभिषेक स्नान कराने के लिए क्या 1-2 भाई से काम चलने वाला है जल्द से है? है? लेकिन आज जब सांडल मुनि ने कहा कि भैया ब्रजवासियों तुम जल ले लेकर के आओ अभिषेक कराना है गिरिराज जी का, ब्रजवासी सुबह से लेकर के भैया सायंकाल तक बाल्टियां भर भर के जल लाने लगे, बाल्टियां भर भर के जल ला रहे हैं, लेकिन भैया कहते यमुना जी से जल ला रहे हैं। अब गिरिराज जी और यमुना जी में थोड़ा अंतर भी है ना, भैया सवेर से लेकर के और साय होने को ही गिरिराज जी को 1 लाख भी किलो नहीं, 1 लाख किलो नहीं भयो, तो भैया ब्रजवासी थक कन्हैया से कहने लगे कि लाला तेरे गिरिराज जी तो इतने बड़े भैया और हम तो भैया सवेर से जल लाते लाते थक गए, अब तेरे गिरिराज जी को हमसे कैसे होगा, और अभिषेक नहीं हुआ स्नान नहीं हुआ तो भैया गिरिराज जी को पूजन नहीं हुआ, इसलिए भैया कछु ऐसा उपाय कर कि तेरे जो गिरिराज जी को अभिषेक है जाए, और भैया यमुना महारानी गंगा महारानी सब यहीं पर प्रकट है जाए, कछु ऐसा उपाय कर भैया हमारी बस की बात।
कन्हैया ने सब ब्रजवासियों की मन वीर त्रेता को देखा और मिलवाया। आज मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने अपने मन से ही मानसी गंगा महारानी का प्राकट्य कर दिया। बोले मानसी गंगा महारानी जय हो। अब मानसी गंगा महारानी का प्राकट्य हुआ, सब ब्रजवासी बड़े बड़े प्रसन्न हुए। के जल लिया और अभिषेक राज भगवान को करा दियो। अब अभिषेक हुआ, सब भोग लगाने लगे। जब भोग लगाने लगे तो चतुर्भुज रोग लेकर के मेरे गिरिराज भगवान प्रकट हो गए। बोले गिरिराज महाराज की जय हो। चतुर्भुज रूप लेकर के मेरे गिरिराज भगवान प्रकट हो गए और मुखारविंद ऐसा सुंदर दिखाई देने लगा मानो जैसे हमारे कन्हैया का मुख है ना, बिल्कुल ऐसे ही गिरिराज जी का मुख है। अब तो ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हो गए। भैया खूब ब्रजवासी भोग भगवान गिरिराज जी को भोग लगा रहे हैं और गिरिराज जी चारों हाथों से भोग ग्रहण कर रहे हैं। अब भोग ग्रहण करते हुए गिरिराज जी को ब्रजवासियों ने देखा, बड़े प्रसन्न हुए। आज तक इंद्र की पूजा करते करते जीवन व्यतीत हो गया, लेकिन हमने इंद्र के दर्शन नहीं किए और आज गिरिराज भगवान प्रकट होकर के वो ग्रहण कर रहे हैं। सब बड़े प्रसन्न हैं और भैया भोग लगा रहे हैं, आनंद मंगल गा रहे हैं। और आओ हम सभी श्री गिरिराज महाराज के चरण में चले और गिरिराज महाराज की कृपा को हम सब प्राप्त करें। बोले गिरिराज महाराज की मिट जाए, ओ मिट जाए तू पूजा कर गो
Oh,
इंद्र को श्री नारद जी ने बतायो कि हे इंद्र,
महाराज आपकी जो ब्रज मंडल में वर्षों से जो चली आ रही थी पूजा, उसको एक छोटे से बालक ने बंद करा दिया। और देखो कितनों चंद्र है कि आप ही पूज रहे हैं और आप ही पूजवा रहे हैं, आप ही पूजे आप पूजा रहे हैं, आप ही पूज रहा है। एक रूप से तो नीचे सब के साथ ब्रजवासियों के साथ में खड़ा है, एक रूप से राजे के मुखारविंद के रूप में प्रकट होकर भोग ग्रहण कर रहे हो। एक ब्रजवासी ने तो कह भी दिया, अरे लाला एक बात बता भैया, तेरों मुख तो बिल्कुल गिरिराज जी के जैसे दिखाई दे रहे हो, जैसे तेरों मुख वैसे गिरिराज जी को। तो कन्हैया ने आज मुस्करा के बात को टाल दिया, अब ये तो नहीं कहा कि मैं ही गिरिराज जी हूँ, गिरिराज के रूप में मैं हूँ और तुम्हारे बीच में भी मैं हूँ, ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं लेकिन है तो एक ही। ये नहीं कहा कि भैया गिरिराज जी का मुख मेरे जैसा नहीं है, ये तो मेरे ऊपर परछाई के राज भगवान की पड़ गई है। अब जैसे कार की ध्वनि गूंजी इंद्र को समाचार मिला के छोटे से बाल कृष्ण ने ब्रज मंडल में तुम्हारी पूजा को भंग करा दिया, क्रोध तो हो गए। और आज इंद्र ने मेरे भाई बहन मेघमाला को बुलाया, मेघमाला को बुला करके कह दिया, आदेश दे दिया कि जाओ और जाकर के पूरे ब्रज मंडल को जल से त्रस्त कर, पूरे ब्रज मंडल में इतनी गड़बड़ हो जाए कि ब्रजवासी त्राहि करने लग जाए। जो मेरी पूजा बंद करने का जो उन्होंने घोर पाप किया है उस अपराध का उन्हें दंड जरूर भोगना चाहिए। ऐसा भाव मेरे भाई बहन मेघमालाओं के द्वारा आज पूरे ब्रज मंडल में जल की घनघोर वर्षा आरंभ हो गई। अब तो जल की वर्षा जब होने लगी घनघोर वर्षा, अब तो ब्रजवासी भैया दौड़े दौड़े आए और नंद बाबा के शरण में पहुंचे। नंद बाबा से मिलने के लिए, बाबा नंद देखो हमने तुमसे पहले ही मना करी कि इंद्र की पूजा बंद करोगे तो इंद्र भगवान क्रोधित हो जाएंगे, और देखो इंद्र भगवान क्रोधित हो गए। तो भैया आज इंद्र भगवान क्रोधित हो जाएंगे, अब बताओ इंद्र के क्रोध से हम ब्रजवासियों की रक्षा भैया कौन करेगा। मैंने तुमको पहले करे करी कि इंद्र की पूजा बंद बंद कराओ, और देखो हमारे पूरे जीवन में आज तक इतनी घनघोर वर्षा पहले हमने कभी नहीं देखी जितनी आज। अब तो आंधी तूफान वर्षा जल जल ही जल भैया, तरह तरह करके वृक्ष और घर मकान झोंपड़ी सब सब गिर रहे हैं, ब्रजवासी भयभीत हो रहे हैं। और नंद बाबा भी बड़े संकोच में हो गए, नंद बाबा मन में विचारने लगे कि इतनी घनघोर वर्षा हमने भी जीवन में पहले कभी नहीं देखी, लेकिन अब कन्हैया को बुलायो और कन्हैया को बुला करके नंद बाबा लाला से पूछने लगे कि लाला अरे भैया देख भैया हमने तुमको पहले मने करी कि गिरिराज जी की पूजा आरंभ मत करवा, और भैया देख तेरे गिरिराज जी की पूजा के चक्कर में इंद्र भगवान तुमसे नाराज आ गया। अब इंद्र की नाराजगी तुमसे रक्षा की हम सबकी रक्षा भैया भैया कौन करेगा, इतनी घनघोर वर्षा लगे है। अरे हमने गिरिराज भगवान को पूजन किया है तो तुम सब गिरिराज आश्रम में चलो और गिरिराज भगवान से ही प्रार्थना करेंगे वह सबकी रक्षा अवश्य करेंगे। सब ब्रजवासियों को लेकर के कन्हैया गिरिराज जी के शरण में आए, और भैया जैसे गिरिराज जी के शरण में आए सभी ब्रजवासी टंडकी लगा करके कन्हैया को लेकर के छोटो सो कन्हैया और गिरिराज जी से क्या बोलने वालों है, घनघोर वर्षा का जल बरस रहा है, ब्रजवासी कन्हैया के चारों ओर घेरे खड़े हैं, कन्हैया गिरिराज जी के शरण में खड़े हैं और टकटकी लगा करके सब ब्रजवासी कन्हैया को ले आ रहे हैं। और देखते ही देखते मेरे बाल कृष्ण प्रभु ने सात कोश लंबे सात कोश चौड़े के राज्य को अपने कन के उंगली पर धारण कर लिया। बोल अब कन्हैया की आयु कितनी है, कन्हैया की उम्र भैया सात वर्ष, और गिरिराज जी कितने बड़े सात कोश लंबे सात कोश चौड़े के राज्य को सात वर्ष में कन्हैया ने अपनी कन की उंगली पर धारण कर लिया।
आओ तो भैया सभी हरिवासियों से कहा आओ और आकर के गिरिराज जी के शरण में हो जाओ। आज दुनिया ने शेष अवतार जी को आवाज लगाई, उनको पुकारा कि आओ और आकर के पूरे गिरिराज जी के चारों ओर मैं लगा कर क्यों क्योंकि इंद्र के द्वार का जितना जल बरस रहा है वो गिरिराज जी के शरण में नहीं आने पाए, इसलिए तो गिरिराज जी के चारों ओर वो मेड लगा करके खड़े खड़े हो गए। शेष नाग आए चारों ओर मेड लगाई खड़े हो गए। अगस्त मुनि को आदेश कर दिया बाबा आओ और आकर एक शोर पर बैठ करके जितना भी इंद्र के मेघ मालाओं के द्वारा बरसाता जल है उस जल का उपमान कर दो और ऊपर से शिखर पर चढ़कर सुदर्शन को विराजमान कर दिया कि जितनी भी भूमि जल की बूंदों से गीली हो रही है उसको सुखाते चले जाए। गिरिराज जी ने लगा कर के खड़े हो गए। अगस्त मुनि एक छोर पर बैठ गए। अगस्त मुनि कौन है मेरे भाई में? अगस्त मुनि वो है जिन्होंने एक ही श्वास में पूरे समुद्र का जल ग्रहण कर लिया। अब जल का ग्रहण जल को ग्रहण अगस्त मुनि कर रहे हैं। हाँ उधर चक्र सुदर्शन के द्वारा जो भूमि गीली हो रही है उसको सुखाया जा रहा है। जल कब बरस रहा है कहाँ जा रहा है किसी को ज्ञान नहीं हो पा रहा मेरे भाई बहन। अब तो एक दिन हुआ दो दिन हुआ है सब आज ब्रजवासी कन्हैया के साथ आते हैं और मेरे टकटकी लगा करके कन्हैया को देकर छोटो सो कन्हैया सात वर्ष को इतने बड़े गिरिराज जी को धारण कर लियो तो मैया यशोदा ब्रजवासियों से कहने लगी कि भैया सुनो मेरे लाला की सहायता करो मेरे छोटो सो कन्हैया और यार की सहायता करो। कन्हैया Yeah.
I'm
वर्ष की कन्या ने अपनी कन के उंगली पर धारण कर लिया। अब तीन रात्रि हो गए, सब ब्रजवासी मोटी मोटी लाठियां लगा करके खड़े हो गए। अब यह कोई ब्रजवासी थोड़ा थोड़ा सब विश्राम कर ले में, लेकिन कन्हैया ने भैया तीन दिन तीन रात्रि हो गए, एक पल के लिए भी विश्राम नहीं किया। अब कच्चू ब्रजवासी कन्हैया के सखा कन्हैया ने कहने लगे, लाला भैया देख तीन दिन तीन रात्रि है गए तुमको, लेकिन तेने एक पल भी विश्राम थोड़ा सा विश्राम कर ले। अब कन्हैया मन में विचारने लगे, मेरे ब्रजवासी सखा मोको कहें कि अभी विश्राम कर ले, और अगर मैं विश्राम करने लग गए हो तो गिरिराज जी को कौन उठावे, गिरिराज जी कौन संभालेगा। अब कन्हैया ब्रजवासी बार बार कन्हैया से कहने लगे कि लाला थोड़ा सा विश्राम कर ले। अब कन्हैया से विश्राम नहीं कर, कन्हैया बोले एक बात बताओ, अगर मैं विश्राम करूं तो गिरिराज जी को कौन उठावे। ब्रजवासी कहने लगे, भैया एक बात बता का तू समझे नहीं, गिरिराज जी उठा रखे, देख हमने भी मोटी मोटी लाठियां लगा रखी है ना, हम तो कह रहे हैं भैया तीन दिन तीन रात्रि है गए, एक पल भी तेने विश्राम नहीं किया, थोड़ी सी देर विश्राम कर ले, लेकिन देखो बड़ो भगवान बनो फिर डोले, थोड़ी सी देर विश्राम करने में कछु जावे नहीं। मन में जो भ्रम है कि मोटी मोटी लाठियों में इतना बल है कि गिरिराज जी को उठा सके, मेरे वाले कृष्ण प्रभु के मन में भाव आ जाएगा, और सोचने लगे कि आज आके मन के भ्रम को दूर करने की कोशिश करते हैं। तो कन्हैया ने निर्भय आज हल्को सो जैसे उंगली को ढीलो किया, और उंगली जब ढीली करी भैया तो श्री गिरिराज जी नीचे को आने लगे, और मोटी मोटी लाठियां जो थी सब तड़ तड़ करके टूट गिरने लगी। ब्रजवासी चिल्लाए, भैया संभाल, ओ भैया संभाल, संभाल भैया संभाल। तो गिरिराज जी नीचे आए, मोटी मोटी लाठियां टूट टूट कर गिरने लगे। ब्रजवासी चिल्लाने लगे, कन्हैया ने पुनः अपनी उंगली पर गिरिराज जी को धारण कर लियो। बोले गिरिराज धारण जय हो। अब तो भैया गिरिराज जी को पुनः धारण कर लियो, अब तो ब्रजवासी बड़ी आश्चर्य में, अब कन्हैया की ओर निहारने लगे, और कन्हैया से ब्रजवासी कहने लगे कि लाला एक बात बता भैया, अरे हमारी मोटी मोटी लाठियां टूट टूट के गिरे, तेरी यह छोटी सी पतली सी अंगुलिया भैया इसको कहा जादू है, कहने थोड़ी सी अंगुलिया ढीली जा गई, हमारी मोटी मोटी लाठियां सब टूट टूट के गिर पड़ी, या मैं कहा है भाई या जादू बता। ब्रजवासी का नहीं आने पीछे पड़ गया, ये तो कह ना सके कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान हूँ, ये तो नहीं बता कि ब्रजवासी मानते नहीं है कन्हैया को भगवान, इसलिए आज ब्रजवासियों ने जब कन्हैया से बात की कि लाल अपने उंगली में बता कहा जादू है, कन्हैया कहने लगे भैया कोई जादू वादू नहीं, ये तो तुम सबके ही सहयोग से, तुम सबके सहयोग से मैंने गिरिराज जी को अपनी उंगली में धारण किए रखा है। अरे हमने तो मोटी मोटी लाठी लगा रखी, तूने उंगली को थोड़ा ढीलो कियो, सब लाठियां टूट के गिर गई, हमने हमें काट दिया। तो ब्रजवासी से कन्हैया ने कहा कि सुनो, कछु मकन तो बल कछु मकन तो बल में हो, कछु गोपिन करे और भैया ब्रज की गोपियों का स्नेह और तुम सबके
कि सात दिन और सात रात्रि हो गए और मेरे गोविंद अपनी उंगलियों तनिक उंगली पर ही श्री गिरिराज जी को धारण किए खड़े और जब सात दिन सात रात्रि हो गए भैया जल बरस रहा है अनेक माला खूब गणगौर बरसा कर रही है लेकिन पूरे वृंदावन में एक बूंद जल दिखाई तो सात दिन हो गए तो इंद्र के मन में भी भाव जगा इंद्र सोचने लगा क्या तो ब्रजवासियों को अपनी भूल का ज्ञान हो गया होगा अपनी भूल के लिए मुझसे प्रश्न करेंगे बार बार और जब उन्हें अपनी भूल का ज्ञान हो गया होगा तो उनकी स्थिति बड़ी विचित्र होगी मुझे चल के देखना चाहिए तो मेरे भाई आज हो ब्रजमंडल की दृष्टि से ब्रजमंडल को देखने के लिए इंद्र आए और जब इंद्र आए तो भैया इंद्र ने जैसे ही ब्रजमंडल के सीमा के निकट पहुंचे तो ब्रजमंडल में तो एक बूंद जल दिखाई नहीं दे एक बूंद जल नहीं है चारों मानो जैसे धूल छूट रही इंद्र बड़े आश्चर्य अब इंद्र मन में विचार में आगे आगे क्या है तो गिरिराज जी की ओर जैसे दृष्टि डाले तनिक उंगली पर मेरे प्रभु गिरिराज जी को धारण किए इंद्र ने ध्यान लगा करके देखा तो मेरे बाल कृष्ण प्रभु में चतुर्भुज रूप धारी श्री नारायण के दर्शन इंद्र को हो गए और इंद्र के मन का भरम दूर इंद्र दौड़ा दौड़ा आया और मेरे भाई मेरे गोविंद के चरणों में क्षमा याचना करने लगा हे प्रभु हे नारायण मुझसे अपराध हो गया आज इंद्र को भगवान ने क्षमा कर दिया इंद्र ने केवल 10 श्लोकों में स्तुति गाई और निर्वाण भगवान ने इंद्र को क्षमा कर दिया सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजा गलती ब्रह्मा जी से हुई और गलती इंद्र से भी हुई लेकिन ब्रह्मा जी की गलती को भगवान ने क्षमा कर दिया 10 श्लोकों में स्तुति गाई और मेरे प्रभु ने इंद्र को क्षमा कर दिया और ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में स्तुति गाई करवावे लेकिन ब्रह्मा के एक शब्द का भी मेरे प्रभु ने जवाब नहीं दिया अब मालूम ब्रह्मा बड़े हैं या इंद्र बड़े हैं हाँ जी इंद्र बड़े हैं या ब्रह्मा जी बड़े हैं मालूम है किसको कौन बड़े हैं ब्रह्मा बड़े हैं ना अब देखो ब्रह्मा जी में और इंद्र में कितना अंतर है इंद्र जो है कहती है जो क्षत्रियों की छत्र क्षत्रियों की छत्र समझते हो ना बताया था ना याद है कि भूल गए क्षत्रियों की छत्र किसको कहती है बताओ किसको मालूम है पहले दिन बताया था मैंने किसी को नहीं मालूम जय हो मतलब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा यहीं से लिया और यहीं छोड़ दिया ऐसा ही है ना क्यों बताओ ऐसे ही करते हो भैया कुछ तो साथ लेकर के जाया करो ऐसा मत कर ऐसा नहीं किया करो मेरे भाई बहन कि तेरा तुझको अर्पण अर्पण तो करना लेकिन कुछ लेकर के साथ जा रहा चतुर्युगी चतुर्युगी का मतलब क्या है एक युग युग तो जानते हो ना अब एक युग और कितने युग है टोटल हमारे चार तो ये चारों युगों को ही चतुर्युगी कहा गया अब पहला युग सतयुग दूसरा त्रेता तीसरा द्वापर और चौथा ये कलयुग है ना और चतुर्युगी में कलयुग की आयु सबसे कम है 432,000 वर्ष और जो उससे पहले द्वापर जिसमें हमारे गोविंद का प्राकट हुआ उसकी आयु है 432,000 की डबल यानी कलयुग की डबल 864,000 याद रखने की बात होती है और त्रेता की आयु द्वापर में कलयुग की आयु और मिला दो यानी कि तीन कलयुग के बराबर 12,96,000 और सतयुग की आयु कलयुग की 4 गुना है यानी 17,28,000 अभी चतुर्युग जो है चारों युग जब 71 बार व्यतीत हो जाते हैं 71 बार तो इसको एक मनवंतर कहा जाता है और तब एक इंद्र बदलता है और ये 14 मनवंतर जब व्यतीत हो जाते हैं तब ब्रह्मा जी की एक एक दिन होता है
और इसी क्रम में ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु बताई, तो ब्रह्मा जी का पद कितना बड़ा हो गया, है ना। लेकिन ब्रह्मा जी ने 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति की, लेकिन एक शब्द का जवाब भी मेरे प्रभु ने ब्रह्मा जी को नहीं दिया। इंद्र ने गलती की और इंद्र ने 10 श्लोकों में स्तुति गाई, मेरे प्रभु ने इंद्र को क्षमा। सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने पूछ लिया कि आखिर गुरुदेव ये बताओ, इंद्र की गलती में और ब्रह्मा जी की गलती में ऐसा क्या हुआ जिसके कारण ब्रह्मा जी का पद बड़ा होने के कारण भी ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और इंद्र को क्षमा कर दिया। तो मेरे भाई बहन, सुखदेव भगवान राजा परीक्षित कहते कि राजन, इंद्र की गलती जो हुई उसमें भगवान के भक्त भगवान के निकट 7 दिन और 7 रात्रि के लिए आ गए। 7 रात 7 दिन भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान के समीप में रहे, तीनों रात भगवान के साथ में रहे ना। तो जो इंद्र की गलती हुई उसमें भगवान के भक्त 7 दिन और 7 रात्रि के लिए भगवान के निकट में आ गए, और ब्रह्मा जी की गलती में 1 वर्ष के लिए भगवान के भक्त भगवान से दूर हो गए। सुखदेव भगवान का परिश्रम लेकर देखे राजा, एक बार जब हमारे बाल कृष्ण प्रभु जब बछड़े चरण का काम लिए तो बछड़े चराते चराते अपने सखाओं के साथ जंगल में पहुंचे और दोपहर का समय हुआ। सब कन्हैया के मित्र अपने अपने घरों से सुंदर सुंदर भोजन बना करके लाए और सब एक वृक्ष के नीचे बैठे। कन्हैया के सामने सबने अपने अपने घर से लाया वो भोजन खोले। अब सब कन्हैया को अपने हाथों से भोजन कराने के लिए सबने अपने अपने घर का भोजन खोल लिया। एक कन्हैया का बहुत छोटा सा मित्र है, नाम है मधु। अब ये मधुमक्खन कौन है? जो पूर्णवासी मैया है, यशोदा मैया की कुल पुरोहितानी। तो यशोदा मैया की कुल पुरोहितानी पूर्णवासी मैया का बेटा जिसका नाम है मधुमक्खन। अब मधुमक्खन का जन्म हुआ, धर्म लेने के कुछ देर बाद ही पिताजी की मृत्यु हो गई, तभी से मैया ने मधुमक्खन को अपने यहाँ पर कृष्ण बलराम के साथ में रख लिया। अब कृष्ण बलराम के साथ में गौए चारण करने जाता है, कृष्ण बलराम के साथ ही भोजन ग्रहण करता है, कृष्ण बलराम के साथ ही रात्रि को विश्राम करता है। अब कन्हैया के साथ ही वो रहता है, भोजन भी कन्हैया के घर का खाता है। तो भैया सब ब्रजवासी कन्हैया को अपने अपने घर का बना हुआ भोजन कराने के लिए जब बैठे तो मधुमंगल एक और खड़ा हो गया उदास। क्यों? मधुमंगल ने मन में विचारने लगा कि आज मैं भी अपने घर से भोजन बना हुआ लेकर के आता तो अपने परम सगा अपने परम मित्र को अपने हाथों से स्वयं भोजन कराता, लेकिन मैं तो बड़ा दुर्भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने मित्र को अपने घर का भोजन बना हुआ नहीं खिला सकता। अरे मैं तो स्वयं अपने मित्र के घर का बना हुआ भोजन उदास। और मेरे भाई बहन, भगवान भक्त की बात को समझ जाते हैं, भक्त के मन की बात को समझ लेते हैं। तो मेरे भाई बहन, जब भगवान आज अपने परम सखा के मन की विरह वेदना को देखे मधुमंगल एक और उदास। तभी कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों से कह दिया कि सुनो भैया, आज का हम भोजन किसी के घर का नहीं करेंगे, आज का भोजन तो अपने मित्र मधुमंगल के घर का बना हुआ करेंगे। और ये बात जब कन्हैया ने कही तो भैया कन्हैया के मित्र बड़े बड़े घरानों के श्री रामा जो हमारी किशोरी राधा रानी के भैया है और भी बड़े बड़े घरानों के कन्हैया के मित्र है। और कन्हैया ने जब मेरे भाई बहन ये बात कही तो सब ब्रजवासी आज कन्हैया की ओर में आने लगे, कन्हैया को देखने लगे। तो मेरे भाई बहन आज मधुमंगल बड़ा प्रसन्न हुआ और मधुमंगल कहने लगा कि लाला तुझे मेरे घर का बना हुआ भोजन ग्रहण करना है। भैया रुक, मैं अभी गया हूँ और अभी मैया से तेरे लिए अपना तेरे लिए भोजन ले ले। तो भैया मधुमंगल आज इतना प्रसन्न है कि आज उसकी प्रसन्नता की कोई ठिकाना नहीं है। दौड़ लगा दी, दौड़ते दौड़ते मधुमंगल अपने घर में गयो, मैया के पास आयो, मैया को पास आकर के आवाज लगाई, मैया ओ मैया मैया। अब मैया तो मालों को जाप कर रही
और कहते भैया माला को जाप करने को नियम बतायो कि जब तक माला पूरी ना हो जाए बीच में बोल लो नहीं चाहिए। मालूम आवाज लगा लो मैया ओ मैया, तो मैया ने आवाज तो सुनी माला को पूरो कियो तब तक तो मंद मंगल घर में प्रवेश। मैया माला जोड़ी को प्रणाम की रखे और मधुमंगल से बोले लगे रे लाला ये बता भैया के कहां है तू यहां पर कैसे आ गए हो ये बता भैया कन्हैया गौरव कृष्ण बलराम को छोड़ करके तू कैसे आ गया है। तो मेरे भाई बहन आज मधुमंगल कहने लगो मैया आज तुमको नहीं मालूम देख मेरी कन्हैया ने मेरो कितनो मान किया है कितनो सम्मान किया है बड़े बड़े घरानों के कन्हैया के मित्र और उनके घर का बना हुआ भोजन कृष्ण कृष्ण त्याग दिया और मेरे घर का बना हुआ भोजन करने की उसने बात कही है कि मैया तूने घर में क्या भोजन बनायो जो भोजन बनायो मुंह को दे दे मैं अपने कन्हैया को भोजन ग्रहण करूं। ये बात जब पूर्णमासी मैया ने सुनी तो मेरी भाई पूर्णमासी मैया के नेत्र सजल हो गए और कहने लगे कि लाला तू तो जाने भैया मेरे घर में कोई कमाने वालों नहीं तेरे पिताजी की तेरे जन्म के कुछ समय के लाल मृत्यु हो गई और भैया अब देख कोई यजमान कुछ दे जाता है तो मैं भोजन ग्रहण कर लेती हूँ नहीं तो जल ग्रहण करके ही भगवान का मैं भजन करती रहती हूँ मुझे भूख प्यास नहीं लगती। अब तो मेरे भाई बहन ये बात जब मधुमंगल ने सुनी मधुमंगल ने सजल हो गए मधुमंगल ने से मैया ने कहा कि लाला मेरे घर में तो एक भी अन्नों को दानों तक नहीं है तो भैया तुमको मैं भोजन कहां से तुमको भोजन दो। मधुमंगल के नेत्र सजल हो गए मैया कुछ तो हो कुछ भी तुमने अगर बनाया हो तो दे दे मैया आज पहली बार मेरे मित्र ने मेरे घर का बना हुआ भोजन मुझसे मांगा है मां मुझे एक बार चुप होगा दे दे। और मिलवा गए जब मधुमंगल ने इतनी बात कही तो मैया कहने लगी कि लाला देख आज से 3 दिन पहले कुछ कड़ी एक पड़ोसी हमें देख के गयो लाला मेरे मन नहीं भयो तो वो कड़ी रसोई घर में रख दे वो रखी है तो लाला आप ले जाओ और घर में कुछ नहीं। अब तो मधुमंगल दोनों बड़ो प्रसन्न भैया और जैसे रसोई घर में प्रवेश किया आज कड़ी की मटकी को देखो और कड़ी की मटकी को ढक्कन जब खोलो तो मेरे भाई बहन आज मधुमंगल को मन खटको है उनका अभिनंदन हमारे तोमर साहब धर्मेंद्र तोमर जी तोमर साहब अंग वस्त्र लेकर एक बार आप स्वागत करें अपने सभी साथियों का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। पगड़ी बांध दीजिए पिछल पगड़ी असली की पगड़ी बांधे हे करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी राधे Oh, my God.
जिला के आरएसएस के, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो व्यासपीठ पर आकर के आशीर्वाद प्रदान करें। पत्नी सहित आए हैं तो इसलिए वो भी आए मंच पर व्यासपीठ पर। हमारे धीरेन्द्र जी की धर्मपत्नी गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरे गोविंद बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा रमण हरे गोविंद बोलो। तो मेरे भाई बहन आज मधुमंगल जैसे ही रसोई घर में प्रवेश किया तो मन आज मधुमंगल को भैया उस घड़ी के ढक्कन को मड़की के को खोलो तो मधुमंगल को मन खटका है। भैया तीन दिन से रखे हुए कड़े इतनी खटकी कि मधुमंगल को मन खटका गया और ढक्कन बंद कर दिया। मधुमंगल मन में विचार चला कि करूं तो करूं क्या, अरे मेरे घर में कुछ भोजन है नहीं, कोई प्रसाद है नहीं, और आज मेरे मित्र ने कहा है कि मैं मधुमंगल के घर का बना हुआ ही प्रसाद ग्रहण करूंगा तो क्या किया जाए। मेरे भाई बहन आज उस मटकी को लेकर के मधुमंगल आगे को बढ़ने लगे मानो आज पहली बार मेरे मित्र ने मुझे अपने घर से ला करके भोजन ग्रहण करने की बात कहे और मैं कितना भाग्यहीन हूँ कि मैं अपने मित्र को अपने घर का बना हुआ भोजन भी नहीं लगा सकता। उदास मनो विचारने लगो के मैं करूं तो करूं क्या, मेरे कन्हैया तो कहूं बास माखन तक नहीं खावे, हमेशा कन्हैया ताजा माखन खावे, और ये तीन दिन से खट्टी कड़े मैं अपने कन्हैया को कैसे ग्रहण करूं। मेरे भाई आज मधुमंगल उस मटकी को लेकर के आगे की ओर बढ़ने लगा और चलते चलते मन में विचार आयो, मधुमंगल मन में विचारने लगो कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस कड़ी को अपने मित्र को बिल्कुल नहीं ग्रहण कराऊंगा।
लेकिन कन्हैया तो इतना चतुर है, अगर मैं मटकी इस कड़ी की मटकी को लेकर के गयो तो कन्हैया या मटकी को मुंह से ले लेगो और जो कड़ी है वहां को ग्रहण कर ले। सर मैं कभी नहीं जाओ कि मैं अपने कन्हैया को तीन सिर से रखी खट्टी कड़ी को ग्रहण कराओ। इसलिए मधुबन वाले मन में विचार किए, चाहे कुछ भी मेरा मित्र मेरे बारे में गाए, मैं उस कड़ी को नहीं ग्रहण कराऊंगा। आज मटकी को स्वयं मधुबन वाले अपने मुख से लगायो और वहां ग्रहण कर लगे। पूरी कड़ी मधुबन वाले ग्रहण कर ली और वो मटकी जमीन में मार करके मधुमंगल के लिए तूने जो बात कही कि आज मधुमंगल के घर का बना हुआ भोजन करूंगो, भैया मधुमंगल घर से भोजन भी लायो, लेकिन वो तो स्वयं खा गयो, देखो तो स्वयं खा गयो, तो भैया नहीं दियो। कन्हैया आज मधुमंगल के पास में आए और कह लगे, कह रही मधुमंगल भैया मैंने तो तुझसे कहा कि तू आज अपने घर से भोजन मेरे लिए भोजन लावेगो और भैया भैया ने लायो और लेकर के तू स्वयं स्वयं खा गयो, भैया तेरे मुंह को नहीं खिलायो। और मधुमंगल के उदास आ गयो और कहे लोगो भैया मैं क्या बताऊं, मैं कल तेरे लिए अपने घर से मैया से सुंदर व्यंजन बनावा के अवश्य। अब ये तो नहीं कहा कि भैया तीन दिन से खट्टी कड़ी रखी थी, कहा लाला ये कड़ी मेरी मैया के पास थी, इसको मैं लेके आयो, मेरे मन कड़ी का खाए मेरे को कड़ी आयो, इसलिए कड़ी को मैंने ग्रहण कर लियो। लाला कल तो अपनी मैया से अपने हाथों से सुंदर विंदर बनाकर बनवा कर लाऊंगा और तो को ग्रहण कराऊंगा। मधुमंगल के से कन्हैया ने कहा कि लाला मैंने तो आज का भोजन तेरे घर का ग्रहण करने की बात कही थी और तू कल की बात कर, कल की बात नहीं भैया मुझे तो आज ही ग्रहण करना है। मधुमंगल के लोग भैया जितना प्रसाद हो तो मैंने खा लियो, अब जब है ही ना तो आज खिलाऊं। तो मेरे भाई मधुमंगल ने उस कड़ी को जल्दी जल्दी ग्रहण करो तो कछु कड़ी मधुमंगल के मुंह पे लगी रह गई। मुख पे कड़ी जब लगी रह गई तो कन्हैया ने मुख पे लगी गई कड़ी को देखो और कन्हैया मधुमंगल से कहने लगी कि लाला देख भैया जितना प्रसाद मुझे चाहिए उतना प्रसाद मुझे दिखाई दे रहे हो है और आज मधुमंगल के मुख पर लगी गई कड़ी को मेरे कन्हैया ने स्वयं अपनी जिव्या से चाटना आरंभ कर दियो। सभी परिवार से जयकार करने लगे, कन्हैया को अपनी गोद में उठा लियो और उसी समय इस दृश्य को श्री ब्रह्मा जी देख रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन में भाव लगा, ब्रह्मा जी सोचने लगे, ब्रह्मा जी को ज्ञात हुआ कि कन्हैया ब्रजमंडल में जो साक्षात नारायण हैं वो कृष्ण रूप में आए हैं, तो कृष्ण की लीला को देखने का मन में भाव ब्रह्मा जी की जगह और ब्रह्मा जी जब कृष्ण को देखने के लिए ब्रजमंडल में आए तो मेरे गोविंद की लीलाओं को देखा कि आज कन्हैया ब्रजवासियों का झूठ खा रहे हैं, कन्हैया ब्रजवासियों के मुख पर लगी कड़ी को ग्रहण कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को संदेह हो गया। ब्रह्मा जी मन में विचारने लगे कि नारायण हो ही नहीं सकता, ये तो कोई भैरूपिया है, अरे नारायण क्या भला किसी ग्वाले का झूठ खाएगा, भगवान किसी का झूठ क्यों खाएगा, ये भगवान नहीं, ये तो कोई और है, ये कोई साधारण बालक है। ऐसा भाव ब्रह्मा जी के मन में जात जात हो गया और ब्रह्मा जी को भगवान पर संदेह हो गया मेरे भाई, और संदेह होने के कारण आज ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि मुझे इस बात को देखना होगा, जानना होगा कि कृष्ण आखिर जो है ये कौन है। अब कन्हैया ने सब ब्रजवासियों के साथ में भोजन ग्रहण किया तो भैया जब भोजन ग्रहण कर रहे तो बछड़े धीरे धीरे चलते चलते कुछ दूर निकल गए। कन्हैया और ब्रजवासियों के साथ में बैठे, कहने लगे भैया तुम यहाँ तक जब तक भोजन से निकले तो हो मैं बछड़े ढूंढ दिलाऊ, बछड़े कहाँ कहाँ गए है? 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 अब कन्हैया तो चले गए बछड़ों को खोजने के लिए और इधर ब्रह्मा जी ने उन ग्वाल वालों को हरण कर लिया, उनको अपने लोक में जाकर सुला दिया। ब्रह्मा जी ने सब बालकों को ग्वाल वालों को अपने लोक में सुला दियो। अब कन्हैया बछड़ों को घेर के लाए और जहाँ पर ब्रजवासी बालक बैठे वहां देखा तो है नहीं, आवाज लगाई अरे मधुमंगल, अरे श्री धामा, अरे मधुका कहाँ भैया तुम सब के सब, अब भैया कोई हो तो आवाज दे,
वो तो सब ब्रह्मा जी के लोगों में विश्राम का मिला जो सोए पड़े तो मेरे भाई बहन आज हो कन्हैया अपने सखाओं को खोजने के लिए आगे बढ़े और इधर सखाओं को खोजने में लगे तो ब्रह्मा जी ने जो बछड़े थे उनका भी हरण कर लिया, उनको भी अपने लोक में जाकर के अब इधर इधर ये ब्रजवासियों को देखे तो ब्रजवासी और इधर बछड़ों को देखे तो बछड़े नहीं, अब तो कन्हैया बड़ी आश्चर्य ये कौन है जिसने मेरे साथ रास्ता छल किया है। तो मेरे भाई आज कन्हैया ने जैसे ही ध्यान लगाया और ध्यान लगा करके देखा तो जो ग्वाल बछड़े हैं वो सब ब्रह्मा जी के लोग सो रहे हैं। कन्हैया समझ गए हे ब्रह्मदेव आपने जो मेरे साथ में छल किया है ये ठीक नहीं किया, लेकिन तुम नहीं जानते हमने तुम्हारे पिता हैं और पिता से छल करना ये ठीक नहीं। तो मेरे भाई भगवान बाल कृष्ण प्रभु ने जितने ग्वाल वाल जितने बछड़े जैसा रंग जैसा रूप जैसे वस्त्र उतने ही अलग अलग रूप में प्रकट हो गए, बछड़े बन गए ग्वाल वाल बन गए और मेरे भाई एक वर्ष तक भगवान इस लीला को करते रहे। अब एक वर्ष जब इस लीला को करते रहे तो ब्रह्मा जी के मन में भाव जगा आप तो मुझे चल करके ब्रजमंडल में ले जाना चाहिए कि ब्रजवासियों की कैसी दशा हो रही है। अरे भैया एक दिन बालक अगर कहीं दूर चला जाए तो घरवालों की स्थिति कैसी होगी, यहाँ तो एक वर्ष हो गया लेकिन ब्रजवासियों को किसी को यह ज्ञात नहीं हुआ कि हमारे बालक कहाँ है हमारे बछड़े कहाँ है। सब ग्वाल वाल जो है उनकी मैया ग्वाल वालों से और ज्यादा प्रेम करने लगी, अब तो गाय है बछड़ों से भी प्रेम करने लगे। एक वर्ष तक ये लीला जब चलते रहे तो ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने देखा जैसे ब्रज मंडल में दृष्टि डाली तो मेरा जो ग्वाल जो बाल जो बछड़े अपने लोगों को सुनाए हुए हैं वही वही ब्रज मंडल में विचरण कर रहे हैं घूम रहे हैं। अब तो ब्रह्मा जी इधर अपने लोग में देखे तो सब सो रहे हैं और ब्रज मंडल में देखे तो सब घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी के मन में ऐसा भ्रम हुआ आश्चर्य में पड़े हुए सब क्या लिया है। तभी ब्रज मंडल में आज ब्रह्मा जी ने ध्यान लगाया और उनके वासी के ग्वाल वाल और बछड़ों को देखो तो भैया जो बछड़े जो ग्वाल वाल हैं वो सब आज कृष्ण ही कृष्ण रूप में दिखाई दे रहे हैं। सब बछड़े कृष्ण रूप में हैं, सब ग्वाल वाल कृष्ण रूप में हैं। मेरे भाई आज मेरे गोविंद को इस रूप में इस लीला में देखा ब्रह्मा जी के मन का भ्रम मिट गया। ब्रह्मा जी को अपने भूल पर जब प्रायश्चित होने लगा ब्रह्मा जी आए और आकर के मेरे गोविंद के चरणों में क्षमा याचना करने लगे। मेरे भाई बहन मेरे प्रभु ने एक बार ब्रह्मा जी की ओर देखा तक नहीं, कहते मेरे भाई बहन 40 श्लोकों में स्तुति गाए लेकिन मेरे प्रभु ने एक बार भी देखा और इंद्र को क्षमा कर दिया। तो सुखदेव भगवान से राजा परीक्षित ने जब ये पूछा तो परीक्षित कहते हैं हे राजा जो भगवान के भक्तों को भगवान से दूर कराता है मेरे प्रभु उसे कभी भी क्षमा नहीं करते और जो भक्तों को भगवान से मिलाने की बात आता है उसे मेरे प्रभु उसके किए हुए अपराधों को भी भूल जाते हैं और उसे क्षमा करते हैं। इसलिए कहते मिलवाए जहाँ कभी भगवान के नाम की कथा भगवान के नाम का सत्संग कोई कीर्तन हो तो कुछ लोग यज्ञों में व्यवधान डालने की चेष्टा किया करते हैं, कुछ लोग यज्ञ कराने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन कुछ उसमें व्यवधान डालने के लिए अनेक अनेक योजना बनाते हैं अनेक अनेक प्रयत्न करते हैं और जो इस प्रकार के कार्य किया करते हैं मिलवाए उनका घोर परिणाम भोगना पड़ सकता है। भगवान ऐसे भक्तों ऐसे लोगों को कभी भी क्षमा नहीं करते जो भगवान के भगवत कार्यों में योगदान डाले जो भगवान के कार्यों में बाधा डालते हैं उनको मेरे प्रभु क्षमा नहीं करते और भगवत कार्य कराते हैं भगवान के भक्तों के साथ रहते हैं भगवान के भक्तों को भक्ति के मार्ग पर चलाते हैं मेरे प्रभु सदा उस वक्त पर अपनी कृपा बरसाए रहते हैं। ऐसे अनुग्रह ऐसी कृपा के करुणा निदान मेरे गोविंद
इसलिए भगवान की कृपा मिले, भगवान की करुणा मिले तो गोविंद के चरणों में एक ही निवेदन करो, गोविंद मैं मेरा हूँ और तुम मेरे हो, मैं जो मुझसे अपराध हो जाते हैं उन अपराध अपराधों को कभी ध्यान न लगाते हुए मुझे पर कभी अपनी कुदृष्टि न रखते हुए मुझे अपने चरणों में लगाए रखना, मुझ पर अपनी दया अपनी कृपा अपनी करुणा बनाए रखना और मेरे किए हुए अपराधों को क्षमा कर देना। ओ मेरी गिनियों ना अपराध लाए मेरे Thank you.
मनोकामना मेरे गिरिराज भगवान पूर्ण किया करते हैं। अगर किसी के भक्त के मन में अभिलाषा हो तो आप एक बार सच्ची निष्ठा से मेरे गिरिराज भगवान के दरबार में जाना और गिरिराज जी से
सच्ची श्रद्धा से कामना करना, निर्वाण परिक्रमा करके आ जाना और अपनी उस इच्छा उस मुराद को वही गिरिराज जी के चरणों में लगा देना और कहते अर्जी लगा देना ठाकुर जी के चरणों में। गोविंद मेरी अमुक मन की इच्छा है, इस अमुक मन की कामना को तुमने पूर्ण करना है तो मेरे भाई बहन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरे गिरिराज भगवान आपकी चाहे धन की अभिलाषा, चाहे पुत्र की कामना, चाहे पुत्र पुत्री के विवाह की कामना हो, चाहे कारोबार की कामना हो, चाहे स्वास्थ्य से संबंधी कोई कामना हो, मेरे गिरिराज भगवान अवश्य पूर्ण किया करते हैं। ये गिरिराज की महिमा है मेरे भाई। और अगर आपको कोई कामना नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए तो गिरिराज जी के चरणों में इतना जरूर लगा देना कि गोविंद मेरा मन सदा तेरे चरणों में लगा रहे, तेरी कृपा मुझ पर सदा बनी रहे। ये जरूर मेरे भाई बहन अपने आप को मेरे ठाकुर के चरणों में समर्पित करने का मन में भाव जरूर लगा लेना। सुखदेव राजा परिषद से कहते हैं कि राजा भगवान को पाने का, भगवान को अगर पाना है तो भगवान को पाने का एक ही मार्ग है और वो मार्ग कौन सा? प्रेम से भगवान को पाया जा सकता है। मन में प्रेम होना चाहिए, लेकिन प्रेम जैसे प्रेम का मतलब मेरे भाई बहन आजकल प्रेम शब्द के बड़े उल्टे मायने लगा दिए लोगों ने, है ना? अगर हम किसी को कहने लग जाए कि भैया हम आपको प्रेम करते हैं तो लोगों की दृष्टि बदल जाती है, लोगों के विचार बदल जाते हैं, प्रेम शब्द को अपमानित कर दिया मेरे भाई। प्रेम का मतलब वासना नहीं होता मेरे भाई बहन, प्रेम का मतलब समर्पण होता है, प्रेम का मतलब क्या होता है और जिसको हम प्रेम करते हैं उसका कभी कोई आई नहीं करता। प्रेम पवित्र होना चाहिए, निष्काम प्रेम होना चाहिए, जिसकी कोई कामना ना हो। मेरे गोविंद तो प्रेम के ही पुजारी आ रही है, जो हर हर भगवान की कथा है। अब कुछ लोग जो है ना आज की युवा पीढ़ी थोड़ी भ्रमित होती चली जा रही है, हमारी युवा हमारी बहन बेटियां बच्चियां उनके मनों में ऐसे भ्रम पैदा होता है कि भगवान कृष्ण ने तो राधा से प्रेम किया। अरे भैया तुम राधा और कृष्ण के बारे में जो अपने मन के विचार रखते हो तुम्हें ये नहीं मालूम राधा कौन है और कृष्ण कौन है। राधा कृष्ण का तो भैया एक आत्मा है, तो रूप अलग अलग दिखाई दे सकते हैं लेकिन आत्मा एक ही है सदा। अरे राधा के नाम से तो भैया भक्तों के मन के कष्ट डर मिट जाते हैं, भक्तों के मन के विकार चले जाते हैं और हमारे बच्चे हमारे भाई हमारे कुछ युवा साथी मनों में इस विकार की भावना ले आते हैं। भैया भगवान ने कहते कन्हैया ने तो रास किया गोपियों के साथ, स्त्रियों के साथ रास किया। अरे तुम्हें ये नहीं मालूम कन्हैया ने जिन स्त्रियों के साथ रास किया वो स्त्रियां कौन है? वो कोई स्त्री नहीं मेरे भाई बहन, वो तो साक्षात वेद है, वेद के मंत्र है। उन गोपियों को हम लोग साधारण स्त्री मान लेते हैं। चलो एक पल के लिए मान लिया कि वो साधारण स्त्री हैं, तो जिस समय मेरे गोविंद ने उन गोपियों के साथ में रास किया मेरे भाई बहन उस समय आयु मेरे प्रभु की 8 वर्ष लगभग 8 से 9 वर्ष की थी। क्या 8 से 9 वर्ष के बालक के मन में काम वासना जागृत हो सकती है? बिल्कुल नहीं मेरे भाई बहन। ये जो रास का प्रसंग मेरे प्रभु ने सुनाया किया, रास का प्रसंग इतना मनोहर मेरे भाई बहन आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित के रास के प्रसंग को सुनाने वाले सुखदेव राजा परीक्षित ने कहते कि राजा मैं तुम्हें उस रास के प्रसंग को श्रवण कराना चाहता हूँ जिनको सुनकर हमारे मन से काम क्रोध मद लोभ जैसी वासनाएं निकल जाए। अरे जिस प्रसंग को सुन करके जिस कथा को सुन करके काम नष्ट हो जाए मेरे भाई बहन इस रास में कामदेव भी आए और कामदेव ने आकर के भगवान से कहा कि प्रभु मैं भी आपके साथ में युद्ध करना चाहता हूँ। भगवान से युद्ध किया और मेरे भाई बहन कामदेव को इस युद्ध में परास्त कर दिया। कि काम पर विजय प्राप्त करने का रास है, काम में डूबने का रास नहीं मेरे भाई बहन। और लोग कहते हैं गोपियां तो मेरे भाई बहन जिन गोपियों के साथ में मेरे प्रभु ने रास किया पहली बात यह कि गोपियों के बारे में जाने गोपी। अगर गोपी शब्द का मतलब क्या है तो कहते गो माने इंद्रिय और पी माने पीना।
जिसने अपनी इंद्रियों का वो अपने अंकुश में कर लिया हो, मेरे भाई बहन वही वास्तविकता में सच्ची गोपी है। और इंद्रियां ही तो हैं जो हमें अपने धर्म के मार्ग से विमुख करा देती हैं, हमें अधर्म की ओर बढ़ा देती हैं। ये इंद्रियों को जिसने वश में कर लिया वही गोपी है मेरे भाई बहन। गोपी कोई साधारण नहीं। सुखदेव प्रसिद्ध कहते के राजन, जिस समय मेरे राग सकर मेरे रघुवर मेरे राम जी दंडक वन में निकले, तो दंडक वन से जब निकलने लगे तो दंडक वन में जो डाड़ी वाले साधु संत महात्मा उनकी दृष्टि मेरे राघव पर पड़ी और मेरे राघव के सांवले सबोले स्वरूप को देखा और मेरे प्रभु को देख करके उन संतों के मन में गोपी भाव जागृत हो गए। मन में विचार लगे हम भी अगर स्त्री होते तो स्त्री बनकर के प्रभु की सेवा करने का अवसर मिलता, कितना सुंदर मनोवर मेरे गोविंद की मेरे प्रभु की सेवा। भगवान जब त्रेता में राम बनकर के प्रकट हुए, भगवान ने उन संतों से कहा कि देखो तुम सबकी मन की इच्छा जो है मैं अभी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन वक्त मेरा मुझसे कोई अभिलाषा नहीं चाहता है तो मैं उस वक्त की मन की अभिलाषा को पूर्ण अवश्य करता हूँ, लेकिन तुम्हें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी, इसके लिए तुम्हें द्वापर में आना होगा और द्वापर में जब मैं कृष्ण बन कर जाऊंगा तुम ब्रज की गोपी बन गए। और जब लेकर के मेरे प्रभु आए तो जितनी मन से करने आए थे उनके मन में भी सेवा भाव जागृत हो गया। भगवान ने उन मत्स्यकन्या को भी आशीर्वाद दिया, देवियों तुम सबके मन की अभिलाषा में पूर्ण करूंगा, लेकिन अभी नहीं, जब तुम ब्रज में गोपी बन के आना और मैं उस समय ब्रज में कृष्ण बन कर गया हूं। तो आज वो मत्स्यकन्या भी ब्रज की गोपी बन कर गया। भगवान वामन का रूप लेकर के राजा बलि के दरबार में आए और राजा बलि के दरबार में जितनी दैत्य कन्या उनके मन में भी सेवा भाव जागृत हुआ। और मेरे भाई मेरे वामन प्रभु ने उन दैत्य कन्याओं को भी आशीष दिया, देवियों तुम सबकी अभिलाषा पूर्ण होगी, लेकिन अभी नहीं, जब तुम द्वापर में मेरी लीलाओं के साथ अपनी लीलाओं को करने के लिए आना, मैं द्वापर में कृष्ण बनूंगा तुम गोपी बन गया। वही दैत्य कन्या मत्स्य कन्या और जो वन के साधु संत महात्मा ब्रज की गोपी बन करके आए, और सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं राजा हमारे चार वेद हैं और चारों वेदों में तीन कांड हैं, ज्ञान कांड उपासना कांड और कर्म कांड। और मेरे भाई कहते हैं 80,000 मंत्र कर्म कांड के, 16,000 मंत्र उपासना कांड के, ये सब ब्रज की गोपी बने करके। ये ब्रज की गोपियां कोई साधारण नहीं, हमारे वेदों के मंत्र ब्रज की गोपी बने करके। और मेरे भाई आज मेरे बाल मेरे प्रभु के मन में भाव हो जाएगा, भगवान में विचार जागे कहो मुझे गोपियों के साथ जो मैंने इनको वचन दिया है उस वचन को पूरा करने का समय आ गया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि और शरद पूर्णिमा की रात्रि में मेरे प्रभु यमुना किनारे और यमुना किनारे एक वृक्ष की डाल पर बैठे और मुरली की धुन का निनाद करने लगे। मन के भाव बदल गए, आज मन में विचारने लगे देखो आज वर्षों के बाद हमारे कृष्ण ने अपनी मुरली की धुन से मेरा नाम लेकर के मुझे पुकारा है। ब्रज की गोपियों को ऐसा भाव आने लगा, ऐसा आभास होने लगा, प्रत्येक गोपी ये विचार करने लगी कि कन्हैया ने अपनी मुरली की धुन से मेरा नाम पुकारा। जो गोपी जिस कार्य को कर रहे थे उस कार्य को बीच में छोड़ दे और कृष्ण मिलने के लिए दौड़ रहा। एक गोपी आज
अपने बालक को दूध पिला रहे थे और जैसे दूध पिलाते हुए उस मुरली की धुन को सुना तो मेरे भाई बहन आज मुरली की धुन को सुन करके गोपी के मन के भाव बदल गए और गोपी ने अपने बालक को पालना में सुला दिया। तो दादी अरे मेरी कन्हैया ने मुझे पुकारा गोपी प्रत्येक गोपी मन में विचारने लगे कि कन्हैया ने मुरली के धुन से मेरा नाम पुकारा है। तो एक गोपी आज गाय का दूध दोहने बैठी है और गाय का दूध जब दोहने लगे कन्हैया की मुरली के धुन को सुना दूध की बाल्टी को पटक दिया। तो लगा ले कि मेरे गोविंद ने मुझे बुलाया है। गोपियों को ये लगने लगा कि कन्हैया ने मुरली के धुन से मेरा नाम पुकारा है। दौड़ लगा ले एक गोपी अपने एक गोपी जब घर से बाहर निकली तभी उसका पति आ गया और निर्भरन आज के पति ने पूछ लिया देवी कहाँ जा रही हो। कहा गोविंद ने मेरा नाम मुरली के धुन में पुकारा है और मैं अपने कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ। उस गोपी के पति ने उसका हाथ पकड़ लिया कमरे में बंद कर दिया ताला लगा दिया। मैं देखता हूँ तो ऐसे उस वाले से मिलने जाती है। गोपी कहने लगी है ना इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार है इस शरीर पर तुम अंकुश लगा सकते हो लेकिन मेरी आत्मा पर अंकुश तुम नहीं लगा सकते। और आज गोपी ने अपने प्राण त्याग दिए और एक शरीर से जो दुख निकला दौड़ लगा दे। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि और मेरे गोविंद यमुना किनारे मुरली की धुन का निनाद कर रहे हैं और जैसे कन्हैया की दृष्टि ब्रज मंडल से आने वाले मार्गों पर पड़े तो मेरे भाई जिधर दृष्टि डालते हैं उधर से सैकड़ों गोपियां दौड़ी चली जा रही है। आज कन्हैया ने हमें हमारी मुरली हमारे नाम से अपनी मुरली के धुन से पुकारा है। प्रत्येक गोपी के मन में ऐसा भाव आभास होने लगा कि कन्हैया ने आज पहली बार मुझे मेरे नाम से याद किया है इसलिए दौड़ लगा रही आ रही है। और जैसे कन्हैया ने गोपियों को देखा और तो चारों ओर से सैकड़ों गोपियों की भीड़ कृष्ण के पास गोपियां आई और गोपियों को जैसे जैसे प्रभु ने देखा तो स्वागत किया स्वागत अब गोपी आई तो भगवान ने गोपियों का स्वागत किया। गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई कि देखो कन्हैया ने पहले तो मुरली के धुन से हमारा नाम लेकर के हमें पुकारा और हम आई तो कन्हैया ने हमारा स्वागत किया बड़ी प्रसन्न हुई। और तभी पूछ लिया क्यों आई हो अरे क्यों आई हो यहाँ पर तुमने अपने घर को छोड़ा अपने पतियों को छोड़ा और रात्रि की इस प्रेयर में तुम मुझसे मिलने चली आई क्यों आई हो। गोपियां मौन खड़ी मेरे भाई बहन पहले भगवान भक्तों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और भक्त जब भगवान की ओर खींचा जाता है फिर भगवान उसकी ओर छोड़ देते हैं। क्यों क्योंकि भगवान उस भक्त की परीक्षा लेते हैं कि ये जो भक्त मेरा मेरे पास आ तो गया है कई काम क्रोध मद लोभ जैसी वासनाओं को लेकर के तो मेरे पास नहीं आया इसलिए भगवान उसकी उस परीक्षा लेते हैं। और जब गोपी आई तो भगवान ने मेरे भाई गोपियों से पूछ लिया कि देवियों आई हो तो स्वागत है लेकिन क्यों आई हो। अरे एक स्त्री को रात्रि के समय और अकेले भैया घर से बाहर नहीं जाना चाहिए घर से बाहर जाना है तो अपने पति के साथ जाओ अपने पुत्र के साथ में जाओ अपने भाई के साथ में जाओ अपने पिता के साथ में जाओ लेकिन अकेले रात्रि के समय बाहर घर से नहीं जाना ये स्त्री की मर्यादा के विरुद्ध है। और भगवान कहने लगे देखो
एक पतिव्रता स्त्री और एक पतिव्रता स्त्री अगर अपने पतिव्रत धर्म पर अटूट है तो असंभव कार्य को भी संभव बना सकती है। और तुमने अपने पतियों को छोड़ा, अपने परिवार को छोड़ा, मेरे पास चली आई, ये तुमने ठीक नहीं किया। एक पतिव्रता स्त्री अगर चाहे तो असंभव कार्य को भी संभव बना सकती है। और मेरे भाई आप सभी माताएं बहनें जानती हैं कि पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म का कितना बड़ा प्रभाव होता है, जानते हैं ना। एक पतिव्रता स्त्री अगर चाहे तो संभव को भी संभव बना सकती है। माता अनुसुईया के बारे में तो आप सभी जानते हैं, जानते हैं कि नहीं। और भी कितने प्रमाण मिलते हैं। माता अनुसुईया ने क्या किया, भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश जब माता के पास में आए तो मेरे भाई बहन अपने पतिव्रत धर्म के प्रताप से माता ने उस माता ने तीनों देवों को बालक के रूप में अपने पालवा में। और भी कितने उदाहरण हमारे यहाँ पर, जो क्योंकि हम सनातन धर्म पति पति और पत्नी का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है, इस पति पत्नी के रिश्ते की मर्यादा का हमें ध्यान रखना चाहिए। और भगवान कहने के देवियों तुमने अपने पति पत्नी का धर्म का त्याग किया और तुम मुझसे मिलने चली आई। भगवान एक पतिव्रता स्त्री के धर्म के एक प्रसंग सुनाने लगे। सुनो, एक पतिव्रता स्त्री अगर अपने पतिव्रत धर्म पर चल रही है तो सुनो वो क्या क्या प्राप्त कर सकती है। एक पतिव्रता स्त्री है जो घर के आंगन में बैठी बैठी चावल सुबह में फटक रही है, चावल साफ कर रही है सायंकाल का समय, और तभी उसका पति अपने कार्यों से निवृत्त होकर के घर में लौट कर आया। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को देखा तो जो चावलों का सूप उठा करके एक ओर रख दिया और निर्भय आज अपने पति के लिए जल लेकर आई, पति को जल ग्रहण कराया और जल ग्रहण करने के पश्चात पति और पत्नी दोनों पास में बैठ गए, दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे। तभी पति को थकान के कारण नींद आने लगी और पत्नी की गोद में सिर रख करके वो सो गए। अब उस स्त्री का एक लगभग डेढ़ वर्ष का बालक जो कुटुम्बन कुटुम्बन आंगन में घूम रहा है, मेरे भाई उस आंगन के एक छोर पर एक अग्नि का कुंड दहक रहा है। अब वो बालक कुटुम्बन कुटुम्बन करके अग्नि के कुंड की ओर बढ़ने लगा। आज वो स्त्री मन में विचारने लगे कि मेरा बालक अग्नि कुंड की ओर बढ़ रहा है, अगर मैंने इसको नहीं रोका तो मेरा बालक अग्नि कुंड में कूद जाएगा, ये राख अग्नि से जलकर राख हो जाएगा। अगर मैंने अपने बालक को नहीं रोका तो मेरा बालक मर जाएगा, और अगर अपने पति जो मेरे पति अभी आए और आकर के मेरी गोद में सिर रख करके सो रहे हैं, इनको सोते से जगा दिया तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। तो आज वो पतिव्रता स्त्री मन में विचारने लगे, मेरा बालक अग्नि में जल करके भलाई नहीं है लेकिन मैं अपने पतिव्रत धर्म को नहीं छोड़ सकते। और देखते देखते वो बालक अग्नि कुंड में कूद पड़ा, नेत्र बंद हो गए, उस पतिव्रता स्त्री के नेत्र बंद हो गए, हाथ जोड़ करके मेरे गोविंद से प्रार्थना करने लगे, गोविंद अगर मैंने अपने पति को के सिवाय किसी और के बारे में कभी गलत विचार भी आए हो तो मेरे बालक की हत्या कर देना, बालक का वध कर देना, लेकिन मैंने अपने पति को परमेश्वर के समान समझा हो तो मेरे बालक के प्राणों की रक्षा हो जाए। और मेरे भाई कुछ समय के पश्चात जब उसके पति की नींद खुले गोद से आया दौड़ करके वो अग्नि कुंड के पास में गई, देखा कि आज अग्नि का कुंड अग्नि दहक रही है लेकिन उसका बालक उस अग्नि कुंड में किलोर कर रहा है, वो खेल रहा है। आज अग्नि का वेग चंदन के समान कोमल बन गया, उस बालक को उसने गोद में उठा लिया। भगवान गोपियों से कहने लगी, देवियों ये एक पतिव्रता स्त्री के पतिव्रत धर्म का प्रताप होता है। उस पतिव्रत धर्म के कारण आज उसके बालक के प्राणों की रक्षा। इसलिए कहते हैं
संसार में आप सब कुछ करना, लेकिन कहते धन गया तो कुछ गया, और जिसका चंचल चला गया उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। इसलिए जीवन में धन बहुत कमा लोगे, धन बहुत पा लोगे, लेकिन जीवन में चरित्र को अपने को बनाने की आवश्यकता है। चाहे कोई भाई है, चाहे कोई बहन है, अपने जीवन में एक बार जिस पुरुष को अपने जीवन में पति के रूप में धारण कर लिया, जीवन पर्यंत हमने उसको अपना परमेश्वर मान करके उसकी सेवा करनी है। यही एक हमारे सनातन की परंपरा है, भाई बहन, यही सनातन की एक मर्यादा है। और पुरुषों के लिए भी है, एक बार किसी स्त्री को अपनी पत्नी के रूप में हमने अपने हृदय में विराजमान कर लिया, पराई स्त्री के बारे में सोचना, पराई स्त्री के बारे में देखना भी घोर पाप है मेरे भाई बहन, उसको घोर नरक की यातनाएं भोगनी पड़ जाती है। सुखदेव भगवान आज राजा परिषद को ये सब बता रहे हैं कि राजा चरित्रहीनता जो करता है उसको बड़े ही कष्टों का सामना करना पड़ जाता है। गोपी ने को आज भगवान ने बताया कि देवी एक पतिव्रता स्त्री अगर अपने पतिव्रत धर्म पर है तो असंभव कार्य को भी संभव बना सकती है। और तुम अपने पतियों को छोड़ी, अपने घर को छोड़ी, अपने परिवार को छोड़ी, मेरे पास चली आई, क्यों आई हो? अब वो मौन खड़ी कुछ बोल रही नहीं, तभी एक गोपी के मन में भाव जागा और गोपी कहने लगी कि हे कृष्ण, हमने तो सर्वस्व अपना छोड़ दिया, हम तुम्हारे पास में आए और तुम पूछ रहे हो क्यों आए? हे कृष्ण, तुमने जो कथा हमें सुनाई ऐसी कहानी हम भी तुम्हें सुना सकते हैं। कहीं हम मुस्कुराए और कहने लगे कि देवी हे गोपी बताओ कोई कहानी तुम्हें आती है तो हमें भी सुनाओ, हम भी सुनना चाहते। वो गोपी कन्हैया से कहने लगी कि नाथ, हे गोविंद, एक पतिव्रता स्त्री जो अपने पति से बहुत स्नेह किया करती है, कभी एक पल भी अपने पति से दूर नहीं रहती। आज उसके पति ने अपनी पत्नी से कहा कि देवी मैं व्यापार करने के लिए परदेश जाना चाहता हूं। तो उसके पत्नी ने कहा कि ना, अगर आप व्यापार करने के लिए परदेश चले गए तो मैं यहाँ पर आपके बिना कैसे रहूंगा, मैं तो आपके बिना एक पल नहीं रहती, तो आप चले गए तो मैं तो क्या कैसे रह पाऊंगी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। तो मेरे भाई आज उस पतिव्रता स्त्री के पति ने कहा कि देवी अब व्यापार करने के लिए तो हमें परदेश जाना होगा, और अगर परदेश नहीं गए तो फिर हमारा जीवन चक्र बड़ा कष्टमय बन जाएगा। इसलिए देवी आज उस पतिव्रता स्त्री के पति ने एक मूर्ति बना करके अपनी पत्नी को दे दी और कहा देवी मैं जब तक व्यापार करके लौट कर नहीं आ जाता तब तक इस मूर्ति को ही तुम अपना पति मान करके इसकी सेवा करना। पति व्यापार करने के लिए चला गया, अब वो पतिव्रता स्त्री प्रातः काल और सायंकाल अपने पति की उस मूर्ति की ही पूजा अर्चना करने लगी। और मेरे भाई बहन कहते जब पूजा अर्चना करते है तो घर का दरवाजा भीतर से बंद कर लेते हैं, जब बंद कर लेते हैं तो भैया यही क्रम उसको चलता रहा, बराबर अपने पति की सेवा में लगी रही और धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। जब उसका पति व्यापार करके लौट कर आया, सायंकाल का समय हुआ और पति द्वार पर आवाज लगा रहा है और पत्नी आज उस मूर्ति रूप पति की पूजा कर रही है। जब मूर्ति रूप पति की पूजा कर रही है तो आज उस स्त्री के मन में भाव आ लगा, उसके पति ने आवाज लगाई देवी द्वार खोलो, तभी वो मन में विचार लगी कि मेरी पति द्वार पर आ गए और मेरी जो पति के द्वारा प्राप्त मूर्ति है उसकी पूजा कर रही हूँ, अगर पूजा को बीच में छोड़ती हूँ तो मेरा पति तो धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर पति जो वर्षों के बाद लौट करके आए इनको अगर इंतजार कराती हूँ, द्वार पर खड़ा रख देती हूँ तो कहीं पतिव्रत धर्म नष्ट ना हो जाए। आखिर क्या किया जाए, इधर असली पति आ गए, इधर पति की मूर्ति की पूजा हो रही है, कारण करे करे करे
आज गोपी भगवान से पूछने लगी कि कृष्ण ये बताओ आखिर उस गोपी को क्या करना चाहिए। अब वो गोपी क्या करे, जो पति के द्वारा प्राप्त मूर्ति है उसकी पूजा करे या जो असली पति द्वार पर आकर के आवाज लगा रहा है उसकी बात सुने, वो करे तो करे। तो मेरे भाई आज भगवान से जब गोपी ने पूछा तो मेरे गोविंद मुस्कुराए और गोविंद कहने लगे रे गोपी इसमें पूछने की क्या बात है। जब वो पतिव्रत स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन कर रही है तो अब उस माटी के पति की पूजा करने की उससे कोई आवश्यकता नहीं है, उस पूजा को बीच में छोड़ देना चाहिए और जो असली पति घर के द्वार पर खड़ा है उसको ये द्वार खोल देना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। अब ये बात भगवान ने गोपी से कही तो मेरे भाई बहन गोपियां भगवान से कहने लगे कि हे कृष्ण अब तुमने हमारे तुमने जो हमसे प्रश्न किया क्यों आई हो और पतियों को छोड़ के आई हो, तो ना आपने ही हमारे और अपने प्रश्न का उत्तर सही दे दिया। अब ये आप बताओ जिन पतियों को हम अपने घर पे छोड़ करके आए हैं क्या वो हमारे वास्तविक पति हैं। निर्भय जितने भी माता बहने बैठे हैं आप सबके कितने पति हैं बताओ बताओ एक पक्का हम कहते हैं सबके दो 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 देखो ऐसे नहीं एक ही है ना पक्का ध्यान करो और सोच रहे दो है ना मान गया कौन कौन मानते हैं दो है मानते अब सुनो कैसे आप घर में पूजा करते हो ना क्या गाते हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विद मिलो दया में किस विद मिलो दया में तुमको मैं कुमति। अब कितने पति एक पति तो वो है जो संसार के बंधनों के साथ बना है जिस बंधन से हमारे माता पिता ने हमें बांध दिया है और वो पति तो मेरे भाई बहन जो जगत का पति है। हम सब स्त्रियां हैं चाहे वो पुरुष के रूप में है चाहे स्त्री के रूप में हम सबके हृदय में केवल आत्मा रूप स्त्री विराजमान है। हम सबका केवल एक ही पति है वो है परमात्मा। परमात्मा सबका एक पति है। हम पुरुष भी है ना तो पुरुष भी मेरे भाई में पुरुष के हृदय में भी आत्मा रूप स्त्री विराजमान है। आत्मा बताओ आत्मा होती है क्या होता है आत्मा होती है ना हाँ जी बाबू होती है ना तो आपके हृदय में आत्मा है तो आप भी स्त्री हैं हम भी स्त्री हैं हम सब स्त्री मिलावे हम सब का ये तो लीला सृष्टि का संतुलन बना रहे इसलिए हमको पुरुष बना दिया किसी को स्त्री बना दिया ये भगवान की लीला है। लेकिन मेरे भाई बहन हम सब स्त्री हैं हम सब का केवल एक ही स्वामी है और वो है परमात्मा। परमात्मा को क्या कहेंगे वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है वो तो पुरुष है बाकी सब इसलिए ये जो सारे हमारा जो पति जो माटी का पति कुछ दिन के लिए हमारा संबंध बना कितने ऐसे होते हैं आज विवाह हुआ और पता चला दो महीने के बाद पति की मृत्यु हो गई अब हम विधवा हो गए। अब पति कहाँ है जिसके लिए हम रोते थे कि मेरा पति गोपियां कहती हैं ऐसे क्या और जो जन्म में मर जाओ गो पाल जो जसु जुन लो अमर हो जसु जुन लो अमर हैया।
मेरे भाई बहन, ये संसार का नियम है, जो आया है सो जाएगा, राजा रथ को पकड़े। कोई भी इस धरा पर सृष्टि लोक में जो आया मेरे भाई बहन, कोई भी स्थाई नहीं है। कुछ दिन के लिए हम सब इस धरा धाम पर आए हैं, और ध्यान रखना मेरे भाई बहन, ये जो हमारा शरीर हमको मिला है, ये शरीर किराए का घर है, किराए का घर। और इस शरीर को, इस किराए के घर को जब तक आप सुरक्षित रखते हो, जब तक आप इसकी देखभाल करते हो, तब तक आप इसमें सुरक्षित बने रहते हो। अब एक मकान वाले है अपने घर में कोई किराएदार रखता है, और किराएदार आने के बाद उसने न तो किराया दिया है, और रोज आपसे लड़ने लग जाए, रोज आपके घर में दीवाने छेड़ छेड़ने लग जाए, रोज आवाजें करने लग जाए, तो क्या करोगे आप? बाबूजी रखोगे उसे? जो किराएदार किराए भी नहीं दे रहा, ऊपर से रोज लड़ने आ जाता आप सब, और घर की दीवारों में और छेद छेदने लग गया, रोज आवाज आती है, न सोता है न सोने देता है, तो बताओ क्या करोगे? उसको घर में रखोगे? क्या करोगे? भैया तू ऐसा करो भैया, दो महीने किराया ले जा, जल्दी जाए, खाली कर जल्दी, हमें नहीं चाहिए तेरा जैसा किराया। और एक किराएदार आया, आपके महीने से पहले किराया दे दिया, और आपके दुख में आपके साथ, आपके सुख में आपके साथ, हर समय आपका आदर सम्मान करता है, आपके घर को सुंदर बना के रखा है, आपसे ज्यादा सजा के रखा है, तो क्या आप इसको निकालोगे? भैया ये तो हमेशा हमारे घर में बना रहे, अब तुम कूड़ा दान बना दोगे तो क्या इस किराए के घर में तुम सुरक्षित रह पाओगे? बताओ, इसमें इस शरीर को हम लोग कूड़ा दान बना दिया। कितने लोग हैं जो शरीर को मांस भक्षण करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, और मेरे भाई बहन गलत कार्यों में अपने मन को लगाए रहते हैं, विष्णु विलुप्त रहते हैं। क्या इस शरीर को आप शुद्ध नहीं रखोगे तो कितने दिन तक रहने वाले हो? आपका बुलावा भैया जल्दी से आने वाला है, इसलिए इस शरीर को स्वस्थ बनाओ, इस शरीर को सुरक्षित बनाओ, इस शरीर को पवित्र बनाओ। और पवित्र कब बनेगा? सुरक्षित जब बनेगा, जब मेरे गोविंद के नाम को गाओगे, मेरे गोविंद के कीर्तन को गाओगे, भगवान का नाम जब हमारे हृदय में समाहित हो जाता है, तो मेरे भाई ध्यान रख लेना, किसी संत ने बड़े सुंदर भाव से कहा है, कभी भूल कर भी भगवान नहीं आते, और जिस शरीर में एक बार मेरे नाम का नाम प्रवेश कर जाता है, उससे काम को सो दूर भाग जाता है, उसके निकल नहीं आता। इसलिए इस शरीर को जो भगवान का दिया हुआ पवित्र धन है, इसकी सुरक्षा करनी है, इसको काम क्रोध मद लोभ जैसी वासनाओं से रिक्त रखना है, मेरे भाई पवित्र रखना है, तो आपका जीवन आनंदमय बन जाएगा, आपका जीवन अमृत के समान बन जाएगा, और मेरे गोविंद की कृपा के सदा आप पात्र बने रहेंगे। अब गोपियों ने जब ये बात कही तो गोपियों के मन की विरह वेदना को देखकर मेरे प्रभु का मन प्रसन्न हो, और भगवान आज गोपियों के साथ में रास करने को तैयार हो गए, रास होने लगा। अब ये भगवान कितने एक और गोपी अनेक है, तो सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते कि राजा भगवान गोपियों के बीच में अलग अलग रूप में प्रकट हो गए, दो बिजू बिजू रास होने को हुआ। कभी गोपियों के मन में अभिमान ना हो,
अब गोपियों को अभिमान हुआ और किशोरी राधा रानी को मान हो गया। अब भैया ये मान और अभिमान दोनों में अंतर होता है। गोपियों को अभिमान हुआ कि देखो कृष्ण तो हमारे सुंदर रूप को देख करके हमारे साथ रास कर रहे हैं, अभिमान हो गया कि हम बहुत सुंदर हैं। और इधर किशोरी जी के मन में ऐसा भाव जगा, ऐसा मान हुआ कि कन्हैया हम तो कहते हैं कि हे किशोरी हम तुम्हें गोपियों से ज्यादा स्नेह करते हैं, लेकिन आज कन्हैया गोपियों के साथ में विराज कर रहे हैं, मेरे साथ में विराज कर रहे हैं, तो गोपियों में और मुझ में अंतर क्या है? कोई भेद नहीं है। ये मान किशोरी राधा रानी के हृदय में जाकर हो गया। और कहते हैं भगवान के भक्त में अगर कि मन में मान या अभिमान जागृत हो जाए तो मेरे प्रभु भक्त के मन में न तो मान रहने देते हैं और ना अभिमान रहने देते हैं। भगवान ने गोपियों के मन के अभिमान को जब देखा तो किशोरी राधा रानी को लेकर के और गोपियों को छोड़ करके चले गए अंतर था। अब तो गोपियां जब कन्हैया को अपने साथ ना देखी तो गोपियों के मन में ऐसा भयाद आ गया, गोपियां स्वयं को कृष्ण मानने लगी। कोई गोपी कृष्ण बनाती है, कोई चौदह सुदर्शन धारण कर लेती है, कोई कोई कृष्ण बन जाती है, अलग अलग लीलाएं गोपियां स्वयं करने लगी। और जब गोपियों का ये भ्रम दूर हुआ तो गोपियों की चेतना जागृत हुई, अरे कृष्ण कहां है, कृष्ण तो हमें छोड़कर चले गए। और किशोरी राधा रानी को लेकर जब भगवान आगे को गए तो किशोरी जी कन्हैया से कहने लगी कि हे कृष्ण अब देखो हमसे चला नहीं जाता, अब हम थक गए। अब एक बार जब कन्हैया से किशोरी जी ने गए तो किशोरी से कन्हैया कहने लगे कि देवी अरे किशोरी तुम थक गई हो। हाँ कन्हैया, तो एक काम करो हम नीचे बैठ जाते हैं तो हमारे कंधे पर बैठो और हम आपको लेकर चलते हैं। किशोरी जी को कंधे पर विराजमान करने के लिए मेरे प्रभु जैसे ही नीचे की ओर लौटे किशोरी जी आगे की ओर बढ़े तो मेरे प्रभु अंतर ध्यान हो गए। किशोरी जी को भी छोड़ दिए। अब तो ब्रज की गोपियां ढूंढ रही हैं और ढूंढते ढूंढते कन्हैया को किशोरी राधा रानी के पास में आ गया। राधा रानी से बोलते किशोरी कन्हैया कहां है? राधा रानी कहने लगी अरे जो भाव तुम्हारे मन में जगा वही भाव मेरे मन में भी जागृत हो गया, इसलिए कन्हैया ने तुम्हें भी छोड़ दिया और कन्हैया ने मुझे भी छोड़ दिया। अब तो किशोरी राधा रानी को लेकर के पूरे ब्रज मंडल में कन्हैया को खोजने लगे और खोजते खोजते यमुना के किनारे आई और यमुना के किनारे जैसे पहुंचे तो मेरे भाई बहन आज वो यमुना के किनारे सब बैठे और बैठने के बाद सब एक मन की विरह वेदना को गाने लगे। और जब मन की विरह वेदना को गाया तो आज कन्हैया गोपियों की मन की विरह वेदना को सुनने लगे। तो आइए हम सभी गोपियों की मन वेदना को जानते हैं। गोपियां बड़े भाव से मेरे कन्हैया को पुकार रही हैं और कन्हैया को याद कर रही हैं। भटकते रहेंगे हम तो Thank you.
तेरे दिन जाएगा
और जो भाव गोपियों ने व्यक्त किए निकलावे उस भावना को गोपी गीत कहा गया। जो कहते भागवत जी के रास पंचाध्याय को है ना पंच प्राण है निर्वाय और जो भक्त इस रास के प्रसंग को श्रवण करते हैं उनके मन से काम क्रोध मद लोभ जैसी वासनाएं लुप्त हो जाती है। वो अब गोपियों ने जो अपने मन की ग्रह वेदना को गाया उसको गोपी गीत के नाम से जाना गया। 19 श्लोक गोपी गीत के और इतने सुंदर गोपी गीत के श्लोक हमें नित्य निरंतर भगवान की कृपा को पाना है और इन वासनाओं से मुक्त रहना है तो गोपी गीत का रोज। अब गोपियों के मन में प्रभु ने जब देखा तो गोपियों के बीच में प्रभु प्रकट हो गए। अब तो रास आरंभ होने को हुआ और भैया जब रास आरंभ होने की बात हुई तो आप तो सज धज करके की गोपी आई और इधर कैलाश पर्वत पर मैया पार्वती विष्णु का संहार करने लगी है? है? और मैया पार्वती जब सुंदर श्रृंगार करने लगी बाबा भोलेनाथ आए भोलेनाथ ने मैया को देखा के लगे देवी आज क्या बात है कहाँ जाने की तैयारी है सुंदर श्रृंगार करने लगे हो तो मैया ने कहा कि ना आपको नहीं मालूम अरे ब्रज मंडल में ब्रज राज रास कर रहे हैं और हम वहीं जा रहे हैं। तो मेरे भाई ब्रज मंडल में जब रास की बात को मेरे भोले बाबा ने सुना तो कहने लगे देवी हमें भी उस रास में लेकर के चलो। मैया ने कहा कि सुनो उस रास में केवल स्त्रियां जा सकती हैं पुरुषों का जाना वर्जित है। तो भोले बाबा मैया से कहने लगे देवी कुछ भी करो और हमें उस रास को दिखाओ। एक दिन नाम हो ने भंडारे और वन के ब्रज के नारी नाच Yeah.
Thank you.
गोपी बना दी, तभी से बाबा का नाम हो गया कोपेश्वर महादेव। बोलो कोपेश्वर महादेव की जय हो। वृंदावन में जाना हमारे गोपेश्वर भगवान के दर्शन आज भी वापस होना रोज होता है, तो गोपी बनकर के ले प्रभु वृंदावन में आए। और जब रास में प्रवेश किए तो कहते बाबा का करना भी भेद बदले भैया, कन्हैया की नजरों से भला काम बचने वाले, कन्हैया की नजर बाबा पर पड़ के लंबा घूंघट लगाए हैं, और बाबा की दृष्टि कन्हैया से मिले तो लंबा घूंघट लगा लियो, तो कन्हैया समझ गए। गोपेश्वर महादेव और भैया गोपेश्वर महादेव जी हमारे वृंदावन हमारे सुंदर श्रृंगार आज भी हो गए। यहाँ पर भक्त घर बैठे कोई गोपेश्वर भगवान के दर्शन करे हो तो बताओ, कौन कौन कोई गए गोपेश्वर महादेव जी के दर्शन करे? एक दो तीन चार। अच्छा एक एक करके बढ़ रहे हैं भैया, पड़ोसियों को देख देख के हाथ उठाते हमारे हमारे। चलो बहुत अच्छा, कितना सुंदर दृश्य आनंद मिलता है ठाकुर साहब, देखा है बड़ा सुंदर श्रृंगार हमारे ठाकुर जी का, हमारे गोपेश्वर भगवान का आज भी ब्रज मंडल में सुंदर श्रृंगार होता है मेरे प्रभु का, गोपी बन करके भगवान रास मंडल में प्रवेश कर गए। और भैया कहते भोले बाबा कितना भी भेष बदल लेकिन हो अब कहां गोपी और कहां भोले बाबा, अंतर तो होगा कि नहीं? भोले बाबा ने लंबा घूंघट लगा रखा है, अब गोपियों के बीच में खड़े हो गए भगवान की दृष्टि पड़ गई। बाबा अब समझ गए कि अब तो बाबा हमारे बीच में आ गए, लेकिन बाबा को ऐसे पहचानना तो पहचान कर लिया, लेकिन बाबा कहा ये जो पर्दा है ना इसको हटवाना चाहिए। अच्छा हमारे बजे में भैया आज भी हमारी जो माता है बहने है ना वो लंबा लंबा घूंघट लगा दिल्ली की तरह ना बिल्कुल जैसे चौपट रहे है ना, दिल्ली में तुम्हारा चक्का चले एकदम, वैसे कहते सिर पर पल्ला जरूर होना चाहिए, ये हमारी मर्यादा है। सभी माता बहनों को आजकल हम लोग सिर से पल्ला खोल कर रखती तो बड़ी फैशन समझती है ना, बहुत अच्छी बात है, ये संस्कार नहीं मेरे भाई में, संस्कार है कि हमारी बहनों को मुख पर पर्दा हो ना हो चलो कोई बात नहीं होती, नेत्रों का हमारा शर्म होती है, लेकिन सिर पर पल्लू अवश्य होना चाहिए। मंदिर में जाओ तो सिर पर पल्ला रखो, कई कथा में जाओ तो सिर पर पल्ला रख के बैठो, भैया भगवान के सामने बैठो और आप ऐसे बैठो चौपट में तो अच्छी बात है। तो और हमारे ब्रज मंडल में तो भैया आज लंबा लंबा घूंघट लगा के हमारे ब्रज की गोपियां घूम गई, अब बाबा जब आए तो भैया सब ब्रजवासी गोपियों ने भी लंबा लंबा घूंघट लगाया, बाबा भी लंबा घूंघट लगाए, अब बाबा की लंबाई तो गोपियों से ज्यादा है, तनिया समझ गए बाबा आ गए, लेकिन बाबा से ये कैसे ले गए ये घूंघट कैसे खुलवाएं, तो कन्हैया ने कहा कि सुनो आज सबको हम रात तक शुरू करेंगे, पहले सब गोपियों का मुख देखेंगे मुंह देखेंगे। अब बाबा कहने लगे लो ये और अभी तो रास की बात हो रही, अब मुंह देखने के बाद बीच में कहां से ले आए हैं
कन्हैया ने कहा ठीक है, हम सब गोपियों का मुंह देखेंगे तब जाकर के नाच शुरू करेंगे। तो भैया आज सबको गोपियों को लाइन में खड़ा कर दिया। अब गोपी अल्लाह लगाने लगी तो बाबा पीछे से निकल करके वो दूसरे वाले कोने पे जाकर छुप छुप खड़े हो गए। क्यों क्यों कन्हैया यहाँ से मुंह देखना आरम्भ करेगा, जब तक कन्हैया वहां तक आएंगे तब तक पीछे दौड़ के मैं उस कोने पे पहुंच जाऊं, मेरा मुंह देख ही नहीं पाएंगे। लेकिन बाबा तो सोच रहे मैं चतुर, लेकिन ये नहीं मालूम कन्हैया बाबा को भी चतुर को चतुर है। अब बाबा ने कन्हैया ने तो एक ओर से कहा कि हमें शोर से मुख देखना शुरू करेंगे, बाबा दूसरे छोर पे जाके खड़े हो। कन्हैया ने देखी बाबा तो उधर खड़े हुए, अब की बार कहा सुनो अब हम इधर से नहीं, अब उस वाले छोर से मुख देखना शुरू करेंगे। अब उधर गए तो बाबा पीछे ही छोड़ने लगे, दौड़ लगाए भैया, दौड़ लगाए तो बाबा की चुनरी हट गए, बाबा के मुखमंडल को मेरे प्रभु ने देखो, बाबा मुस्कुरा गए और कन्हैया मुस्कुराए और मेरे भाई प्रभु आज बाबा से कहने लगे कि कहो भोले बाप भोलेनाथ, प्रभु आपके सुंदर भाव को देखने के लिए चले आए, बड़ा सुंदर भाव मेरे भाई रास हुआ, कामदेव भी उस रास में आए और मेरे प्रभु ने कामदेव को भी परास्त किया। 6 महीने तक ये रास हुआ और 6 महीने के बाद जब गोपियों को भगवान ने भक्ति का उपदेश दिया, भक्ति में उनका मन उनका तन उनका जीवन बन गया, तो भगवान ने गोपियों को अपने अपने घर सब गोपियां आज लौट लौट करके अपने घर आई। अब एक सुखदेव भगवान राजा परीक्षित कहते कि राजा ये जो रास हुआ ये रास ये स्त्री और पुरुष का रास नहीं, ये आत्मा और परमात्मा का मिलन था। ये जो आत्मा रूपी जो गोपियां हैं वो परमात्मा रूपी कृष्ण से मिलने के लिए आई और 6 महीने तक मेरे प्रभु ने उन सभी गोपियों के मन को आनंद की अनुभूति कराए। और मेरे भाई बहन आज गोपियों को अपने अपने घर भेज दिया और इधर श्री नारद जी के मन में भाव जगा। नारद जी मन में विचारने लगे कि लगता है हमारे कन्हैया हमारे कृष्ण को तो जिस कारण उनका प्राकृतिक स्मृति लोग हुआ है उस कार्य को भूल चुके हैं। भगवान तो कभी अलग अलग लीला, कभी माँ का लीला, कभी गोवर्धन लीला और अब ये रास लीला, अनेक अनेक लीलाओं में भगवान व्यस्त है। लगता है अपने जन्म का उद्देश्य जो है इसको भगवान भूल गए हैं। तो नारद जी सीधे आज मथुरा में गए और मथुरा में जब आए तो मथुरा के महाराज कौन, कंस। अच्छा कंस जो है वो नारद जी को अपना गुरु मानते हैं। नारद जी आए, नारद जी का स्वागत किया और नारद जी ने कंस से पूछ लिया कि हे कंस ये बताओ हे महाराज अब कृष्ण को कब मारोगे, कृष्ण को कब मारोगे। अब ये बात नारद जी ने कही तो भैया नारद जी की बात सुनकर के कंस उदास हो गया। क्यों कंस कहने लगा हे नारद जी आप तो जानते हो कि कृष्ण को मारने के लिए मैंने कितने सूरवीर मार दिए, दैत्यों को भेजा, देनकासुर, अघासुर, बलासुर, व्योमासुर, प्रत्यासुर, अनेक अनेक राक्षसों को भेजा और भेजा तो मारने के लिए, लेकिन समाचार में था वो स्वयं ही मार दिया उसने, मेरी समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। मेरे भाई बहन नारद जी ने कंस ने कहा कि हे राजन अगर तुम मेरी बात को मानो तो तुम्हारे उस शत्रु का वध हो सकता है, एक उपाय पाए करना हो। नारद जी ने जब ये बात कही तो भैया आज नारद जी से कंस ने हाथ जोड़ करके पूछ लिया कि हे नारद जी मुझे बताओ कि अगर कंस को मारने का क्या उपाय है। तो मेरे भाई आज नारद जी ने कहा कि जब तुमने शिव जी की आराधना की थी तो शिव जी ने तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर के तुमको एक धनुष दिया था, उस धनुष यज्ञ का आयोजन धनुष यज्ञ आयोजन करो और उसमें दूर दूर अंचल के जितने भी राजा महाराजा सभी को आमंत्रित करो, सबको बुलाओ।
और नंद के पास संदेश भेजो और नंद के साथ में कृष्ण बलराम को तुम मथुरा बुलाओ और कृष्ण बलराम ना मथुरा में आए तो अपने सूर्यवीर महारथी योद्धाओं को कृष्ण बलराम के पीछे लगा देना और वो पीछे से वार कर देंगे और कृष्ण बलराम का वध कर देंगे। तुम्हारा शत्रु भी मर जाएगा और तुम्हारे प्राणों की रक्षा भी हो जाएगी। ये बात कंस ने जब नारद जी से सुनी तो कंस नारद जी से कहने लगा कि नारद जी आप तो जानते हो मथुरा से जितने भी लोग गए जितने भी देवते गए सबने जाकर के कृष्ण के प्राणों को कष्ट डाला। अब नंद भला मथुरा कैसे आए? कृष्ण बलराम ने मथुरा कौन लेकर आ सकता है क्योंकि मथुरा वासियों को तो वो शत्रु मान मानते। तुम आज नारद जी ने कहा कि ही राजन अगर तुम नंद को मथुरा बुलाना चाहते हो तो एक कार्य करो अक्रूर जी को इस कार्य के लिए लगाओ। अक्रूर जो वसुदेव के परम मित्र हैं और अक्रूर के कहने से नंद कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा अवश्य आएंगे। इतना कहकर नारद जी ने कहा कि देखो राजन अब मैं ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तो केवल इतना सुनना चाहता हूँ कि आपने परसों कंस कृष्ण का वध बरसों का समय बता दिया और वहां से प्रस्थान कर गए। और सायकाल का समय बहुत देर की बेला मेरे गोविंद कृष्ण बलराम गौए चारण करके लौट कर घर की ओर आ रहे हैं। तभी मार्ग में आज श्री नारद जी से भेंट हो गई। अब नारद जी को जैसे गोविंद ने देखा आज नारद जी ने कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया और कन्हैया से नारद जी कहने लगे कि गोविंद हे कृष्ण अब ये बताओ कि कंस को कब मारोगे? प्रभु कंस को मारोगे कब? भगवान कहने लगे कि नारद जी आप क्या बातें कर रहे हैं? अरे भला मैं कौन होता हूँ किसी को मारने वाला? मैं किसी को नहीं मारता, न मैं किसी को मारता हूँ न किसी के प्राणों की रक्षा करता हूँ। ये तो जीव स्वयं किया करता है, जैसा कर्म करता है उसको उसके अनुरूप ही फल भोगना पड़ता है। इसलिए मैं ना किसी को मारता हूँ ना किसी की रक्षा करता हूँ। जीव स्वयं जब अधर्म के मार्ग पर चलता है तो उसका पतन हो जाता है, धर्म के मार्ग पर चलता है तो वो धर्मात्मा बन करके भगवान की शरणागति प्राप्त कर लेता है। मैं ना किसी को मारता हूँ ना किसी की रक्षा करता हूँ। नारद जी ने कहा कि देखो प्रभु अब मैं ज्यादा कुछ नहीं सुनना चाहता, मैं तो केवल इतना जानना चाहता हूँ कि परसों आपने कंस का वध कर दिया। अब एक बार जब नारद जी ने भगवान से कही तो मेरे प्रभु मुस्कुराए और कहने लगे कि नारद जी बताओ मेरे मामा कंस से और क्या क्या कहके आए हो मेरे बारे में और क्या क्या बता के आए हो? क्यों? क्योंकि मामा को ही परसों का समय दिए हो और मुझे भी परसों का ही समय दे रहे हो और बताओ क्या क्या मेरे बारे में मेरे मामा कौन से आप बताकर अब ये बात जब हो मेरे गोविंद ने नारद जी से कही तो नारद जी मुस्कुराए और नारद जी कहने लगे कि गोविंद आप तो जानते हो मेरे स्वभाव को, मैं जो भी कार्य किया करता हूँ समस्त जन कल्याण के हित के लिए किया करता हूँ। इसलिए बिना और बिना की आज्ञा के कोई कार्य किया नहीं करता। इतना कहकर के श्री नारद जी अंतर ध्यान और इधर कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा कि हे अक्रूर तुम यहाँ से वृंदावन में जाओ और वृंदावन जाकर नंद से कहना तो वो नंद आज कृष्ण बलराम को लेकर के मथुरा में आए। अब कृष्ण बलराम को मथुरा में बुलाने की बात जब नंद बाब जब अक्रूर जी ने सुनी तो अक्रूर जी बड़े आश्चर्य में अक्रूर जी मन में विचारने लगे कि इस दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम के प्रति इतना प्रेम कैसे जागर तो पूछ लीजिए राजा ये बताओ आखिर कृष्ण बलराम को मथुरा किस लिए बुलाना चाहते हो? कहा कि हे अक्रूर आप नहीं जानते कृष्ण मेरे मेरा वही जो आकाशवाणी ने कहा है ना कृष्ण मेरा काल है और मैं चाहता हूँ कि मेरा काल कृष्ण मथुरा में आए और मथुरा में
जो धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा हूँ उस आयोजन के बहाने तुम नंद को यहाँ पर लेकर के आना, कृष्ण बलराम आए और कृष्ण बलराम नामदुरा में प्रवेश करें तो मेरे महाबली सूर योद्धा कृष्ण बलराम का वध कर देंगे, मेरा शत्रु मर जाएगा और मैं मरूंगा। अब ये बात अक्रूर जी ने सुनी तो मेरे भाई बहन अक्रूर जी का हृदय विदीर्ण हो गया, मनोदास। अक्रूर जी ने एक बार को मना कर दिया, हे राजन इस कार्य को मैं नहीं करूंगा। तभी अक्रूर से कंस ने कहा कि अक्रूर अगर तुमने इस कार्य को नहीं किया तो तुम जानते नहीं महाराज कंस की बात को ना मानने का परिणाम क्या हो सकता है, तुम्हें मृत्यु दंड दिया जा सकता है। अक्रूर जीवन में विचारने लगे इस दुष्ट के हाथों से मरना से तो मरने से तो अच्छा है, क्यों ना मैं कृष्ण के दर्शन करूं। और कृष्ण कौन है? अरे जिस सात दिन के कन्हैया ने पूतना को मार दिया, छह महीने के कृष्ण सन्यासी को मार दिया, अनेक अनेक व्यक्तियों का संहार किया, ये वही तारणहार है और मैं अपने तारणहार का मुझे पहले बार दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। इसलिए अक्रूर जी आज कृष्ण के पास जाने के लिए तैयार हो गए। सुंदर रथ सजायो, घोड़े सजाए और निर्भय अक्रूर जी प्रातः काल मथुरा से वृंदावन की ओर प्रस्थान कर गए। अब मथुरा से वृंदावन कितनी दूर है? कोई ज्यादा दूर नहीं मेरे भाई, बैलगाड़ी से भी जाओ या रथ से जाओ तो ज्यादा ज्यादा एक घंटा आधा घंटा एक घंटा। लेकिन आज अक्रूर जी जब रथ लेकर के गए तो निर्भय अक्रूर जी की समाधि ही लग गई। अक्रूर के मन में विचारने लगे कि आज मैं अपने कन्हैया के पास जा रहा हूँ, कन्हैया मुझे पहचाने के लिए नहीं, कहीं मुझे ही शत्रु न मान ले। अनेक अनेक मन में विचार जागृत हो रहे हैं और अक्रूर के नेत्र बंद हो गए, समाधि लग गई, रथ आगे को बढ़ने लगा और रथ के घोड़े कहीं पर घास चरने लगे, कहीं पर जल ग्रहण करने लगे, बिछुड़ गए। और प्रातः काल से लेकर के सायंकाल का समय होने को हुआ, सायंकाल के समय वृंदावन की सीमा के निकट जाकर के रथ पहुंच गए। और जैसे वृंदावन की सीमा के निकट में रथ पहुंचा तभी अक्रूर जी की चेतना जागृत हुई। अक्रूर जी ने देखा वृंदावन आरंभ हो गया, रस्से नीचे कूद पड़े, नंगे पांव अक्रूर जी आज कन्हैया के वृंदावन की ओर बढ़ने लगे। और वृंदावन की ओर जब बढ़ने लगे तो सायंकाल का समय, वही मेरे गोविंद कृष्ण बलराम दोनों कौए चारण करके लौट रहे हैं और मेरे गोविंद के बुखार अंग पर पसीने की बूंदे ऐसे झलक रही है मानो चांदनी रात में बालू के कण चमक रहे हो, ऐसे मेरे गोविंद का बुखार मुखमंडल चमक रहा है। और जैसे मेरे कन्हैया ने अक्रूर जी को देखा, अक्रूर जी के पास आकर कन्हैया ने प्रणाम किया, क्या कहा कि हम आपको प्रणाम करते हैं, मैं कृष्ण और ये भैया बलराम। अब दोनों को देख करके अक्रूर जी का मन बड़ा प्रसन्न हुआ और अक्रूर जी ने जब ये देखा कि कृष्ण मेरा स्वागत कर रहे हैं, नेत्र सदर हो गए और आज अक्रूर जी से कन्हैया कहने लगे कि हे अक्रूर जी काका मैं जानता हूँ मेरे मामा ने आपको यहाँ पर किसको भेजा है, मेरे मामा ने जिस कार्य को करने के लिए आपको यहाँ भेजा है, मैं आपके श्री चरणों में निवेदन करना चाहता हूँ कि मेरी मैया यशोदा मेरे ब्रजवासी और ब्रज की गोपियों को ये बात कभी मत बता, ये बात कभी नहीं कहना कि मेरे मामा कंस ने मेरा वध करने के लिए मुझे मथुरा बुलाया है, अगर मेरे ब्रजवासियों को ज्ञात हो गया तो फिर मुझे मथुरा नहीं जाने देंगे। अक्रूर जी को लेकर के कन्हैया नंद महल में आए, नंद बाबा ने स्वागत किया और विश्राम अक्रूर जी को ठहरा दिया। रात्रि को भोजन ग्रहण किया और भैया भोजन ग्रहण करने के पश्चात नंद बाबा के पास अक्रूर जी विराजमान हुए। नंद बाबा से अक्रूर जी कहने लगे कि नंद
कंस ने मुझे आपके पास इसलिए भेजा क्योंकि कंस धनुष यज्ञ का आयोजन कर रहा है और वहाँ आपको कृष्ण बलराम के सहित बुलाया है। तुम्हें कृष्ण बलराम को लेकर के मेरे साथ मथुरा जाना होगा। अब ये बात जब अक्रूर जी नंद बाबा को बता रहे हैं तभी मैया यशोदा ने उस बात को सुन लिया और मैया यशोदा आई। मैया यशोदा अक्रूर जी से कहने लगी कि हे अक्रूर आप ये क्या बातें कर रहे हो, मेरे कृष्ण को तुम मुझसे दूर करने की बात कर रहे हो, तुमने कैसे जान लिया कि मैं अपने कन्हैया को अपने नेत्रों से ओझल होने दूंगी, एक पल भी मैं अपने कृष्ण को अपने से दूर नहीं कर सकता। कन्हैया ने देखा मैया तो मना कर रही है तो कन्हैया मैया से कहने लगे मैया तू हमें कबो कहीं ना जाने दे, आज पहली बार मामा के यहाँ से धनुष यज्ञ के आयोजन का बुलावा आया है, संदेश आया है, मैया हमको जाने देना, हम भी तो मथुरा नगरी को देखना चाहते हैं। अब ये बात जब कन्हैया ने कही तो नंद बाबा वे आज हो यशोदा मैया से कहने लगे कि यशोदा अरे तू बड़ी बावरी है, अब एक बात बता, अरे कब तक तो इन बालकों को अपने पल्लू से बांध करके रखेंगे, अब ये बड़े हो रहे हैं, अब कभी तो इन्हें घर से बाहर जाना होगा, तू क्या कुछ चिंता करती है, अरे मैं भी तो इनके साथ साथ हूँ। और एक दिन की बात है कल जाएंगे परसों लौट कर आ जाएंगे, मैया को समझाओ और मैया अपने कक्ष में चली चली। मैया जब अपने कक्ष में चली गई तो भैया रात्रि को कृष्ण बलराम अपने कक्ष में प्रातः काल जाने की तैयारी करने लगे और जैसे तैयारी कर रहे हैं तभी कन्हैया की दृष्टि मैया के कक्ष में पड़ी और जैसे मैया के कक्ष में कन्हैया की दृष्टि पड़ी तो देखा मैया अपने पलंग पर नहीं आई। कन्हैया दौड़े दौड़े मैया के कक्ष में गए और देखा तो मैया एक दीवार के सहारे सिर लगा करके रो रही है। मेरे गोविंद ने मैया के गले से लगा लियो, मैया तू काय काय हो, मैया सोचा कहने लगी कि लाला तू कल मुझे छोड़ के चलो जाएगो, ठीक कन्हैया एक पल भी मैंने तेरे बिना रहना नहीं चाहिए, मैं कैसे तेरी बिना एक दिन की बात एक पल नहीं रह सकती। कन्हैया ने बहुत समझाया मैं एक दिन की बात कल छोड़ जाऊंगा परसों लौट करके तेरे पास आ जाऊंगा। मैया कहने लगी मुझे लग रहा है मेरा मन उदास है कृष्ण, मुझे ऐसा लग रहा है कि तू फिर मेरे पास लौट नहीं आएगा। कन्हैया ने मैया को बहुत समझाया और भैया प्रातः काल हुआ और प्रातः काल नंद बाबा तो पहले मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। अक्रूर जी ने रथ को सजाया और महल के भीतर आज अक्रूर जी रथ के ऊपर सवार हो गए। कृष्ण बलराम दोनों आज रथ के पास में आए और रथ में सवार होने लगे और जैसे ही रथ आगे को बढ़ने लगा तभी मैया यशोदा पीछे से आवाज लगाई अरे कोई रथ को रोको, कोई रथ को रोको, और मैया गांव से पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़े। कन्हैया की दृष्टि मैया पर पड़े और कन्हैया रथ से नीचे कूद पड़े, मैया के पास में आए और मैया को अपने गले से लगा लियो, मैया को नीचे से गले से उठा लियो अपने गले से लगायो और कन्हैया को देख करके मैया रो रही है और अपने आंसुओं से कन्हैया के सिर को भिगो दियो। हे कृष्ण मुख दुल्ला आज वाले पड़ी है तो मीनो पुत्र नहीं है तू तो देव की मुस्ते को लाला मैंने तो को कभी सुख नहीं दियो, तू देव की वस्ते को पुत्र है और कमो में पागल गोपी ने तो मुझे अलग सुख नहीं दिया, बड़े बड़े घरानों के तेरे मित्र जब तुमने तुम पास में बैठे हो तो भैया या पागल गोपी की याद आवेगी, लाला वो को माफ कर दियो। कन्हैया रो रहे हैं, मैया भी रो रही है और रोते रोते मैया से कन्हैया विदा ले रहे हैं और ओ कृष्ण लेते माँ से विदाई ओ मैया मोग याद ना करे, कृष्ण लेते हैं माँ से विदाई मैया मोग याद ना करे।
तभी किशोरी राधा रानी की ओर कन्हैया ने देखा, तो कन्हैया को देख करके राधा रानी भी रो पड़ी। ओ गत को पकड़ ले राधा हो पड़े पर मैया को कहीं समझाए। मैया तू काय करो, मैं यशोदा के लगे के लाल अम्मू को तो आज ही मालूम पड़ी है कि तू मेरो लाला नहीं है, तू देवी वसुदेव को पुत्र है। हे कृष्ण, मैंने तो को वो सुध नहीं दियो, अरे इस पागल गोपी ने तो को एक मिट्टी की मटकी के लिए उंगल से बांध दियो, और ये बात तो को लाला बड़े बड़े घरानों के तेरे सखा तेरे मित्रों में जब से ये बात फैल गई तो तू तू तेरे मित्र क्या कहे। लाला मैंने तो को सुध नहीं दी, मैया ने कन्हैया को समझाया, कन्हैया ने मैया को समझायो, रोते रोते मैया को कन्हैया रोते बिलखते छूछ रथ पे सवार हो गए। और जैसे रथ आगे को बढ़ा महल का द्वार खुला था मेरे भाई बहन, आज सैकड़ों गोपियां रथ के सामने लेट गईं। गोपियां कहते हैं, हे कृष्ण तू बड़ा निर्मोही है, तुझे हम पर करुणा नहीं आई, तूने कैसे सोच लिया कन्हैया तू हमें छोड़कर चला जाएगा, और हमने तुझसे सच्ची प्रीति की डोर लगाई है कि कन्हैया हम भी ऐसा कर लेते हैं, अगर तू हमसे प्रेम नहीं करता तो हम तेरे रथ के नीचे लेती हैं, तू रथ का पहिया हमारी ओर से लेकर के निकल जा कृष्ण, एक बार भी हम तुझे रोकने का प्रत्र नहीं करेंगे। रथ के पीछे लोग लेट गए और मेरे भाई कन्हैया गोपियों के भाव का वर्णन करने लगे। किशोरी जी से कहा, किशोरी इन गोपियों को समझाओ, क्योंकि अगर मैं ब्रज छोड़कर नहीं गया तो फिर आगे की लीला हमारी पूर्ण नहीं हो पाएंगे। किशोरी जी ने गोपियों को समझाया और मेरे भाई कन्हैया आज हम मथुरा की ओर चल दिए, और मथुरा जाने के मार्ग पर जहाँ से ब्रज की सीमा समाप्त होती है, मेरे भाई ब्रजवासी दौड़ते दौड़ते कन्हैया के पीछे गए कि कृष्ण तो कहीं हम पर करुणा आ जाए, कहीं करुणा हम पर दया आ जाए और कृष्ण हमें देख करके लौट आए। मेरे भाई लेकिन कन्हैया लौट कर
नहीं आए और जब तक रथ से उड़ती हुई धूल भद्रासुर को दिखाई देती रही तब तक वहीं टकटकी लगा करके खड़े देख ले रहे कि कृष्ण हम पर दया करे, कृष्ण हमें छोड़कर न जाए, लौट कर आ जाए। लेकिन लौट करके कन्हैया नहीं आए। नंद बाबा मथुरा में पहले पहुंच चुके हैं और आज अक्रूर जी भी रथ लेकर के पहुंच गए। अक्रूर जी ने रथ को नंद बाबा के पास में रोका और नंद बाबा से कन्हैया से कहा कि लाला अब तुम्हें यहीं रुकना है और मैं कंस महाराज को समाचार दे। अक्रूर जी कंस को समाचार दिए और कंस को समाचार मिल गया कि कृष्ण बलराम आए हैं। तो मेरे भाई बहन पूरे नगर में संदेश भिजवा दिया कि आज कोई भी कृष्ण बलराम का स्वागत नहीं करेगा। अभी कुछ अतिथि गण आए हुए हैं, एक बार उनके बारे में जानकारी इसके बाद कथा प्रसंग अभी बड़ी सुंदर सी कथा रहेगी। अभी ठाकुर जी की बारात। राधे राधे। आधे लोग तो सो जाते हैं। राधे राधे। हमारे बीच में जशोद मिश्रा जी आए हुए हैं जो व्यास जी का